हम हैं बोल्ड, ब्राइट और बैलेंस्ड। देशबंधु प्रेजेंट्स टीवी लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां है खबरें लगातार। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर आप सबके बीच हाजिर हूं मैं राजीव। तो कर्नाटक चुनाव का दोस्तों बिगुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने पत्ते फेंटने में लगे हुए हैं और दोनों के हाथों में अपने अपने ट्रंप कार्ड हैं, जिनका इस्तेमाल हम चुनावों में देखेंगे। और इधर कर्नाटक में चुनावी हलचल तेज है, नेताओं के राज्य यानी कर्नाटक के दौरे शुरू हो गए हैं। और उधर पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में रामनवमी से शुरू हुई हिंसा के बाद हालात अब तक संभले नहीं हैं। यहां जरा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कल जो उन्होंने बात कही थी वो याद कीजिए। कल खड़गे ने कहा था कि जब बीजेपी को पता चलता है कि वो कमजोर हो रही है, जरा गौर फरमाइए कि जब बीजेपी को पता चलता है कि वो कमजोर हो रही है तो वे दंगे भड़काते हैं और लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं। खड़गे साहब ने यह भी कहा था कि ये बीजेपी का कारनामा है, यानी कि पश्चिम बंगाल और बिहार में जो कुछ हुआ है वो बीजेपी का कारनामा है। वो इसलिए क्योंकि जब उसे पता चलता है कि वो कमजोर हो रही है तो वो दंगे भड़काती है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और बिहार में जेडीयू, राजद और कांग्रेस और वाम दलों की सरकार है। दोनों ही जगहों में आने वाले समय में, यानी कि पश्चिम बंगाल में और बिहार में कोई भी चुनाव नहीं है, यानी आम चुनाव को छोड़ दें जो कि 2024 में होना है, उसके अलावा कोई चुनाव नहीं है। यानी राज्य के जो चुनाव, विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं, ना पश्चिम बंगाल में ना बिहार में। तो फिर बीजेपी के कहां कमजोर होने की बात हो रही है यह समझना होगा। क्यों आखिर कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि बीजेपी जहां कमजोर होती है वहां दंगे भड़काती है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी कमजोर हो रही है और वहां उसी की सत्ता है इस वक्त। लेकिन कई सर्वे ऐसे आए हैं पिछले दिनों जो बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सत्ता पर वापसी बहुत मुश्किल है। तो क्या कर्नाटक में अपनी कमजोरी से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी बिहार और पश्चिम बंगाल में कोई खेल कर रही है? क्या रामनवमी पर शुरू हुई हिंसा के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? अगर है तो सवाल यह है कि इस खेल में क्या कांग्रेस के विरोधी दल एक साथ हो गए हैं? क्योंकि बिहार में कांग्रेस सरकार के साथ गठबंधन में है और लेकिन असली कमान जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है, जिनका एक बयान आया था कि वे विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस के न्योते का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। आप याद कीजिए, भाकपा माले की जो एनुअल उनका फंक्शन था, वो राष्ट्रीय अधिवेशन था उनका, और उस अधिवेशन में माले ने, भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने बुलाया था अपने तमाम घटक दलों को भी, जिसमें जेडीयू भी और कांग्रेस के और जेडीयू कांग्रेस और आरजेडी के नेता थे। लेकिन वहां पर उसी मंच पर राहुल इन्होंने कहा था, नीतीश कुमार ने, कि हम अभी तक कांग्रेस के न्योते का इंतजार कर रहे हैं, हम तो जाके दो दो बार मिलकर आ गए। अब लेकिन उनको कहना है, उनको तय करना है, यानी कांग्रेस को तय करना है कि आगे क्या करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीतीश बाबू जो हैं वो किसके न्योते का इंतजार कर रहे हैं, असल में किस बात का इंतजार है? शायद इसका खुलासा बाद में हो जाए, लेकिन अभी यही नजर आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद राहुल गांधी पर मानहानि मामले को लेकर हुई तमाम कार्रवाई के बाद विपक्षी एकता की जो तैयारियां दिख रही थीं उसमें जेडीयू और टीएमसी जैसे दल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और इनके साथ एक और दल जोड़ दूं, वो है आम आदमी पार्टी। कैसे, इस बारे में आगे चल के हम चर्चा करेंगे। बिहार का इतिहास ऐसा रहा है दोस्तों कि यहां आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोकने की हिम्मत लालू प्रसाद यादव ने दिखाई थी ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। उस बिहार में पिछले एक हफ्ते से माहौल बिगड़ा हुआ है, तो सवाल उठने जायज हैं कि ऐसा कौन होने दे रहा है और इसमें किसका फायदा हो रहा है। यही सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर भी है, जहां ममता बनर्जी सांप्रदायिक हिंसा के लिए बीजेपी को तो दोषी ठहरा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कह रही हैं कि वाम और राम, ध्यान दीजिए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि वाम और राम ने हमारे खिलाफ हाथ मिला लिया है, यहां केवल तुकबंदी नहीं बल्कि राजनीति को समझने की जरूरत है। वाम यानी लेफ्ट,
यानी लेफ्ट दल, वाम दल, और राम यानी बीजेपी, मतलब ममता बनर्जी लेफ्ट और बीजेपी को एक पलड़े में तो रख रही है, एक पलड़े पर तो रख रही हैं, जबकि वो जानती हैं कि इस बार वाम के साथ कांग्रेस भी है। तो क्या ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दोनों किसी न किसी तरह कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब एक महीने में ही मिल जाएगा आपको, एक महीना से भी कम वक्त उसमें मिल जाएगा आपको। 13 मई को आपको उसका जवाब मिल जाएगा, एक महीने से थोड़ा सा ज्यादा, जब कर्नाटक के नतीजे आ जाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी की कमजोरी जाहिर हो चुकी है और कांग्रेस की जीत की संभावनाएं ज्यादा हैं कर्नाटक में। फिर भी राहुल गांधी यहां अपना ट्रंप कार्ड चलते हुए जल्द ही नजर आएंगे। जो राहुल गांधी जो हैं, वो ट्रंप कार्ड उनका क्या हो सकता है, थोड़ा सा उसका खुलासा कर देता हूं। राहुल गांधी का ट्रंप कार्ड यानी डरो मत का संदेश, सच के लिए डटे रहने का संदेश। 9 तारीख को राहुल गांधी कर्नाटक में सत्यमेव जयते मिशन पर निकलेंगे और उसी कोलार से इसकी शुरुआत करेंगे जहां मोदी सरनेम वाली टिप्पणी उन्होंने की थी। राहुल गांधी की इस रैली से कांग्रेस को और बल मिलेगा, ये तो तय है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग के साथ कर्नाटक के चुनाव में अपनी गोटी फिट कर ली है। लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। आज कांग्रेस इलेक्शन कमेटी यानी CEC की बैठक हुई दिल्ली में, और जिसमें तमाम नेता शामिल हुए, CEC के जो मेंबरान हैं। और राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार से पूछा है कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, यानी अडानी का मुद्दा कर्नाटक में भी मोदी और बीजेपी का पीछा करने वाला है। राहुल गांधी के उस बयान को सुन लेते हैं, आज का बयान, 20,000 करोड़, सुनिए जरा। वेरी सिंपल थिंग, ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? देखिए, अब यहां 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये बात कहां से आ गई, ये पूछा जा सकता है, ये आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन क्या ये 20,000 करोड़ रुपए की जब बात इन्होंने कही थी, तभी मोदी जी के कि डिग्री की बात कहां से आ गई थी, यह भी सोचने वाली बात है। 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, यह पूछ रहे हैं राहुल गांधी, और उधर केजरीवाल जी एट द सेम टाइम पूछते हैं कि मोदी जी आपकी डिग्री क्या है, देश के भ्रष्टतम प्रधानमंत्रियों से में से एक हैं आप, आपकी डिग्री क्या है, कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए क्या? ये पूरे मुद्दे से भटकाने का काम इधर केजरीवाल जी कर रहे थे। तो एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ केजरीवाल, ये सब मिलकर क्या कांग्रेस को डिरेल करने की कोशिश में लगे हुए हैं? लेकिन पैरेलली राहुल गांधी झटके पे झटका देते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी को, और बीजेपी को जब राहुल गांधी झटका देते हैं तो वो इनडायरेक्ट रूप से उनके विरोधी दलों को, विपक्षियों को भी झटका लगता है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे इस गंभीर चर्चा में। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक, और इस कार्यक्रम को जरूर देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हालांकि ये बोलता नहीं हूं, मैं जानता हूं कि आप लोग लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, ज्वाइन बटन को भी दबा के बैठते हैं आप लोग, और हमारा पूरा साथ देते हैं पूरे कार्यक्रम में, और कमेंट भी लिखते हैं। आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों, जो जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। चलिए सीधा चलते हैं हमारे पैनलिस्ट दोस्तों के बीच में और वरिष्ठ साथियों के बीच में, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। आइए जरा स्क्रीन पर ले आइए, हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं हमारे साथ में। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत टंडन जी जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं, शायद दिख नहीं रहे हैं, वीडियो डाउन है, अभी दिखेंगे। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ। धनंजय कुमार जी सीधे जुड़े हुए हैं उधर मुंबई से रहने वाले, हमारे मेरी तरह बिहार के हैं, और इनके शहर में यानी कि धनंजय जी के शहर में भी ये जो रामनवमी के दिन जो घटना घटी है सासाराम में, दूसरा शहर बहुत उसकी चर्चा हो रही है, वो भी जो है काफ़ी चर्चा में है। तो धनंजय जी भी बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ बिहार में क्या कुछ चल रहा है या बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, इसकी चर्चा करने हम नहीं बैठे हैं। चर्चा करने हम ये बैठे हैं दोस्तों कि आखिर कारण क्या है, क्या बिहार का कनेक्शन भी कर्नाटक से है, क्या दिल्ली के इन CM साहब का कनेक्शन भी कर्नाटक से है, क्योंकि ये तो चुनाव लड़ने, इन्होंने घोषणा कर दी है कि तमाम 224 सीटों पर ये चुनाव लड़ने जाएंगे, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उधर ममता बनर्जी का भी जो वहां चल रहा है हुगली में और आसपास, वो कनेक्शन भी कर्नाटक से है,
ये समझने की कोशिश करते हैं। और इन सबके बीच राहुल गांधी का झटका इतना मजबूत क्यों होता है कि ये तमाम नेता इनके खिलाफ हो जाते हैं। आज ही एक किताब आने वाली है, गुलाम नबी आजाद साहब की किताब जिसका नाम ही है आजाद। उन्होंने भी खुल के कांग्रेस के साथ बिताए अपने 55 वर्षों के, जो उनके जो गुलाम नबी आजाद साहब के जो 55 साल का जो अनुभव है, उस अनुभव को भी उन्होंने बहुत अपने अंदाज में शेयर किया है, साझा किया है। और उस किताब में भी वो जो कह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो साफ है कि यहाँ कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश है चुनाव से पहले। आप समझ सकते हैं किसी न किसी कांग्रेस विरोधी या कांग्रेस से निकले हुए नेता की किताब उसी वक्त क्यों आती है जब देश में चुनाव, किसी राज्य में चुनाव होता है या देश में चुनाव होते हैं, ये भी सोचिए। आप सब समझदार हैं, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस देश में, और वही हम यहाँ समझने जानने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए आप तमाम साथी जो हैं, आप सबसे परिचय करवा चुका हूँ। हमारे साथ इस चर्चा में जो जुड़े हुए हैं उनमें धनंजय कुमार जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ में डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। प्रशांत टंडन जी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूँ। बहुत कुछ मैं कह चुका हूँ, आपकी बात बारी आपकी है कहने की, सुनने की, हमारी समझना चाहता हूं आपसे जो कुछ चल रहा है, क्या ये सब कुछ कर्नाटक का लगभग हारा हुआ चुनाव उसके कारण हो रहा है? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में ये तो जनता को और सबको समझ लेना चाहिए, हमको भी समझ लेना चाहिए कि जैसे जैसे बीजेपी कर्नाटक में कमजोर होगी, वैसे वैसे लोगों को, जनता को, आर्मी ऑफिसर्स को, हमारी सेना को और हमारे पुलिस अफसरों को अपनी जान माल की सुरक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि ये आपस में कोरिलेटेड हैं। जैसे जैसे बीजेपी कमजोर होगी, उनको अपने को मजबूत बनाने का मात्र एक तरीका है, वो है धार्मिक विद्वेष और धार्मिक उन्माद। जब आप पुलिस का भी कोई केस उठाते हैं, किसी पुलिस अफसर से बात करते हैं, वो कहते हैं कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, जो हो रहा है इसका बेनिफिशियरी कौन है, क्या इसकी बेनिफिशियरी वो पार्टी है जो कह रही है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, क्या इसकी बेनिफिशियरी। आप देखिए किस प्रकार से सब चीजें पहले से तय हैं। भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता पक्ष के लोगों के स्टेटमेंट सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से समाज के एक वर्ग ने दूसरे समाज को पीटा। फेसबुक आप देखिए, व्हाट्सएप देखिए आप, इसका माने सब पहले से तय हो चुका है कि किस प्रकार से देश के सामाजिक सद्भाव को खत्म किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है, राहुल गांधी ने जो अलग जगाई है, उस अलग को और आगे बढ़ाने का समय आ गया है। देखिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, देश की जनता इस समय दो भागों में बटी हुई है। एक भाग वो है, एक वर्ग वो है जो कि धार्मिक विद्वेष में उलझ गया है, जिसके अंदर जो धार्मिक जहर है वो पूरी तरह से जम गया है। और दूसरा पक्ष ऐसा है जो हम जैसे लोगों का है, जो कि राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, जो कि भारत की 140 करोड़ जनता को एक समान मानते हैं, सबको बेटा बेटी इस देश का मानते हैं, हम ये मानते हैं कि देश को एकजुट करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए देश को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। हम चाहते हैं नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी को इस पैगाम को लेकर अब इसको बिल्कुल एग्रेसिवली सामने लाना है कि देश की जनता ये चुनाव कर ले कि इस देश में अब धार्मिक विद्वेष चलेगा या नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की यात्रा की बात होगी। अब इसमें जो जिस पक्ष पे, देखिए मैं बिल्कुल, मेरा विश्लेषण ये कहता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कर्नाटक हो, जो तीसरी फोर्स अगर इस भारत जोड़ो नफरत छोड़ो को तोड़ने का प्रयास करेगी वो खत्म हो जाएगी। और ये आप देखिए, दो तीन सूचनाएं और मिली हैं राजीव जी, आपने पढ़ी होंगी, अयोध्या के अंदर से जो वहां संकट मोचक सेना है, उसके जो संजय जी हैं, जो वहां के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल भारतीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अयोध्या के अंदर बहुत सारे निवास हैं, राहुल गांधी के लिए सारे मकान खुले हुए हैं, सारी कोठियां खुली हैं, राहुल गांधी आके यहां पर रहें। इसका मतलब यह है कि वो हिंदू लोग, हम जैसे असली हिंदू लोग अब ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में जहां पे हिंदू मेजॉरिटी में है, उस देश की रक्षा करने के लिए, उसको संगठित करने के लिए, उसको महान शक्ति बनाने के लिए, ये जो विद्वेषकारी शक्तियां हैं जो कि
धार्मिक जहर में इस देश को तोड़ना चाहती हैं, और संजय दास जैसे लोग भी मिल रहे हैं कर्नाटका में, जो बीजेपी के नेता है वो भी इसमें जुड़ रहे हैं, और जो इसमें से अलग होने का प्रयास करेंगे, मेरी बात लिख के रख लीजिए, वो खत्म हो जाएंगे, उनका नाम लेवा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार लड़ाई जो है अब वो चाहे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तहत बीजेपी का साथ दें या कांग्रेस का साथ दें। मायावती ने स्ट्रेटेजिकली बीजेपी की मदद की थी पिछली बार, सारे कैंडिडेट अपने जो खड़े किए थे या तो मुसलमान खड़े किए थे या यादव कैंडिडेट खड़े किए थे, इसलिए कि अखिलेश यादव के वोट कटे और बीजेपी जीते। ये जो थर्ड फोर्स होगी, जब ये अपने कैंडिडेट डिसाइड करेगी, उससे पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस के और राष्ट्र भक्तों के साथ हैं या जो धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले हैं उनके साथ होंगे। कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, आपको और हमको स्पष्ट हो जाएगा कि ये वास्तविकता में किसके साथ हैं, ये देश जोड़ने वाली शक्तियों के साथ हैं या देश को तोड़ने वाली की शक्तियों के साथ हैं। राजीव जी, जी स्वामी जी, एक सवाल आपसे ही फिर आता हूं अपने बाकी पैनलिस्ट साथियों के बीच में। सवाल आपसे ये कि इस वक्त जो बातें मैं पहले रख भी रहा था, कहां राहुल गांधी आगे दिखाई देते हैं कर्नाटक चुनाव और चुनाव से पहले? राहुल गांधी लगातार जो एक अपना उनका जो एम है, अदानी अदानी अदानी, और उसमें भी 20,000 करोड़ रुपए, देखिए 20,000 करोड़ रुपए को ये पहले भी बोल चुके हैं और उसके बाद भी पिछले जो शनिवार के से पहले वाले शनिवार को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने कहा था, आज फिर जब वो सीईसी की बैठक में जा रहे थे तब भी उन्होंने वही बात कही 20,000 करोड़ रुपए। तो राहुल गांधी झटके पे झटका दे रहे हैं, लेकिन ये जो बाकी दल हैं, थोड़ा ये समझ में के थोड़ा बताइए कि चाहे ममता बनर्जी हो, आपने मायावती का नाम तो लिया, लेकिन ममता बनर्जी, केजरीवाल और केसीआर हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इनसे क्या उम्मीद रखी जाए? नहीं नहीं देखिए राजीव जी, उम्मीद कोई ना रखी जाए, इनसे कोई उम्मीद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अदानी के प्रकरण में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटेन के लंदन के कोर्ट ने बात कही है अदानी जी के समझी के बारे में, और ये कहा है कि ये हिंदुस्तान का मामला नहीं है कि सीबीआई ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, ये अंतरराष्ट्रीय मसला है और केस चलेगा, और सीबीआई पर और भारत सरकार पे भी उन्होंने प्रश्न लगा दिया कि इसमें क्लोजर रिपोर्ट कैसे लगाई है। तो वास्तविकता में एक इंडिकेशन मिल गया है, ये इंडिकेशन मिल गया है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, जो बात हम लोग शंका जाहिर कर रहे थे कि भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, इलेक्शन जीते कोई हारे, लेकिन वास्तविकता में अडानी का प्रकरण हो, ये किरण भाई पटेल का मकसद हो, ये अदानी जी के परिवार के जो सदस्य या तो सेबी में बैठे हैं या देश के बाहर बैठे हुए हैं, और सबका जो बिल्कुल आपका लीगल इतिहास है, जो उनका इतिहास है, वो सबके सामने आना चाहिए, देश के सामने व्हाइट पेपर आना चाहिए, उनके कौन से समधि पे कितने केस चले हैं, कितने दिन जेल में रहे हैं, और पूरे उनके साढ़ू और उनके जो साले और बहनोई हैं, ये पूरा कच्चा छिट्टा, क्योंकि आज की तारीख में देश की आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न है। मोदी जी और भारत सरकार कोई भी इसको छुपाना चाहे, अब अंतर्राष्ट्रीय जगत इसको नहीं छुपने देगा, अडानी जो है देश की प्रतिष्ठा को ले डूबेंगे, इसलिए मोदी जी जितनी जल्दी बोल दें और जितनी जल्दी कार्रवाई कर लें, और ये राहुल गांधी को भी इनको पार्लियामेंट में वापस लाना पड़ेगा, और तब ये देश की स्थिति पता होगी कि जिस प्रकार से इन्होंने दुरुपयोग किया है, क्योंकि सारे न्यायालय जो हमारे देश के हैं वो देश की जनता के साथ हैं, वो भी जनता की आहट को समझ रहे हैं कि जनता किस प्रकार से अंगड़ाई ले रही है। तो अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर लें, अखिलेश यादव कुछ भी कर लें, ममता बनर्जी कुछ भी कर लें, अब जनता को निर्णय लेना है कि वो देश को जोड़ने के साथ हैं या देश में दंगा फसाद चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम उल्टा टांग देंगे लोगों को, वो लोग जो है अब ये समझ लें, देश को तोड़ने वालों को अब देश सहन नहीं करेगा। राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ ही हमारे रोविंग एडिटर भारत शर्मा जी सीधे भोपाल से। भारत जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और भारत जी आपके पास ही आना चाहता हूं। देखिए दंगा फसाद बहुत ऐसी बहुत सारी चीजें जो पिछले दिनों हुई इस देश में, और बहुत जगह आप जा करके आपने रिपोर्टिंग की है देशबंधु के लिए, और उस हिसाब से भी आपका एक लंबा अनुभव है। आज ममता बनर्जी कह रही हैं कि वाम और राम ने हाथ मिला लिया है, लेकिन वाम के साथ कांग्रेस ने भी हाथ मिलाया हुआ है पहले से, तो क्या यह माना जाए कि ममता बनर्जी सीधे सीधे न कह के इनडायरेक्ट रूप में कांग्रेस के ऊपर भी वार कर रही हैं, और अगर कांग्रेस के ऊपर वार कर रही हैं तो फिर ये जो महागठबंधन की बात चल रही है, विपक्षी दलों की एकता की बात चल रही है, उसको किनारे रख करके और सीधा सीधा जो कांग्रेस जिस दिशा में चल रही है, क्योंकि सागरडीही का जो रिजल्ट है, चाहे पुणे का जो रिजल्ट आया अभी, ये सारे रिजल्ट तो यही बताते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां आप किसी के साथ रहें ना रहें,
जो बात यहां कह रहे हैं अखिल स्वामी जी, बहुत सही बात कह रहे थे, रख रहे थे। और ऐसे में ये जो बेचैनी है, चाहे ममता बनर्जी की हो, एक बेचैनी उधर नीतीश कुमार की भी है, वो एक्सपोज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिर नीतीश कुमार किस इन्विटेशन का इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई बेटी की शादी कर रहा है या घर में कुछ और करवा रहा है कि आप इन्विटेशन का इंतजार कर रहे हैं? कि हम तो दो दो बार घूम के आ गए, अब वहां से इन्विटेशन का इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से आए? अगर आप कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, इस देश के शुभचिंतक हैं, कांग्रेस छोड़ दीजिए, आप इस देश की जनता के शुभचिंतक हैं, तो आप आगे आइए, चार बार जरूरत पड़े आप आइए। राहुल गांधी को सजा हुई, आपने एक लाइन नहीं बोला, आखिर क्यों नहीं बोला, क्या कारण था? इन सवालों का जवाब हम जैसे लोग तो ढूंढेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ना। जरा आपके जरिए समझना चाहते हैं भारत शर्मा जी, कि कर्नाटक का चुनाव जो है और जिसमें बीजेपी की हालत बहुत खराब है, ये मैं अपने दम पे नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे जो सर्वे आ रहे हैं उस आधार पे कह रहा हूं, और उससे बचने के लिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे का कल का बयान है कि बीजेपी जिन राज्यों में कमजोर होती है वहां दंगे फसाद करवाती है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के बहुत ही जिम्मेदार पर्सन हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका बयान है। और ये दंगे फसाद बिहार में हो रहे हैं, दंगे फसाद तो वहां हो रहे हैं, लेकिन कमजोर कहां है? कमजोर तो वहां है जहां चुनाव है, जहां चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक। तो ये पूरा का पूरा नाटक जो है जिसमें जनता पिस रही है वो कर्नाटक के कारण हो रहा है, ये माना जाए भारत शर्मा जी? जी देखिए, मैं कुछ छोटी छोटी सी चीजों में अपनी बात रखूंगा। पहली चीज तो यह है कि आज एक खबर है कि जेडीएस और कांग्रेस के बीच में एक अघोषित अंडरस्टैंडिंग बन गई है। जिन सीटों के ऊपर जेडीएस मजबूत है वहां पर कांग्रेस अपने मतलब वहां पर ताकत नहीं लगाएगी, और जहां पर कांग्रेस ताकतवर है वहां पर जेडीएस ताकत नहीं लगाएगी, ये एक अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में बन गई है। और ये बात पहले से कही जा रही थी कि अगर एक गठबंधन इन दोनों के बीच में होता है तो बीजेपी वहां पर लगभग साफ होने की स्थिति में हो जाएगी। तो अगर ये एक अंडरस्टैंडिंग भी अगर बनती है तो बीजेपी साफ होगी, ये एक बात है। अब दूसरी एक बात जो आपने जो कहा बंगाल में जो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट, देखिए बंगाल को जो लोग देख रहे हैं नजदीक से या बंगाल की जो घटनाओं को देख रहे हैं, ये बात सच है कि वामपंथी वहां पे सरकार से जाने के बाद लंबे समय तक निष्क्रिय होकर बैठे रहे, या आप ये कह सकते हैं कि उनके अंदर एक ये सत्ता का ये था, वो ये खुद को सत्ताधीश मान रहे थे और वो ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि वो अब सत्ता से बाहर है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से वहां पर उन्होंने वामपंथियों ने बिल्कुल यंग जनरेशन को उतारा था, आपको अगर याद हो ममता बनर्जी के सामने मीनाक्षी उतरी थी और जेएनयू के कई जो स्टूडेंट्स थे उनको वहां पर चुनाव में उतारा, उसके बाद से लगातार वहां फिजा बदलना शुरू हुई। अभी वापस चली वहां पर पार्टी सेक्रेटरी बने हैं बंगाल के अंदर, और जिस तरीके से वहां पर आंदोलन चल रहा है, कर्मचारियों के आंदोलन चल रहे हैं, वहां पर किसान निकलकर सड़कों पर आ रहा है, तो ये जितना जो हो रहा है उसके बाद से ममता बनर्जी टरी हुई है। और ये बात फिर यहाँ पर ये चीज लिंक हो जाती है जब ये बात मल्लिकार्जुन कहते हैं खड़गे कि जहां पर ये कमजोर होते हैं वहां पर ये दंगे कराते हैं। देखिए जब तक वहां पर वामपंथियों की सरकार रही 34 साल कभी दंगे नहीं हुए, लेकिन ममता बनर्जी के आने के बाद से ही हिंदू मुसलमान होना वहां पर शुरू हो गया। तो इस बात को बड़ा साफ है कि आरएसएस को वहां पर स्पेस किसने दिया। तो अब अगर ममता बनर्जी अगर ये आरोप लगाती है कि वाम और राम साथ मिल गए हैं, तो मुझे लगता है कि बंगाल के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो इस बात को समझते होंगे कि आरएसएस को स्पेस देने वाली ममता बनर्जी है, क्योंकि वामपंथियों को हटाने के लिए ही ममता बनर्जी ने आरएसएस के साथ हाथ मिलाया था। ये एक दूसरी चीज है। अब तीसरी चीज जो आपने नीतीश कुमार की बात कर रहे थे कि अभी एक बैठक हुई थी सिविल सोसाइटीज की और उसमें ये बात निकल के सामने आई थी कि हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस देश को बचाने की बात कर रहे हैं या इस देश के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं? और अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको तमाम सारे अपने ईगो उठा के साइड में रखने पड़ेंगे। तो ठीक है, आप आपस में लड़ते रहिएगा, लेकिन ये आपकी जो लड़ाई है ये आगे भी चल सकती है, या आप बीजेपी को सत्ता से हटाने के बाद भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसीलिए तमाम आप देखेंगे कि जो वामपंथी संगठन है जो मतलब यूपीए बन में अलग हुए थे परमाणु करार जैसे मुद्दे के ऊपर, वो आज अगर आप त्रिपुरा की बात करें या आप बंगाल की बात करें वहां पर कांग्रेस के साथ है। इसलिए क्योंकि आपको सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, लेकिन ये बात आज तक समाजवादी जो खेमा है उसके कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि आखिर आपकी राजनीति क्या है, क्या आप इतने ताकतवर हैं? एक तो पहली चीज तो ये है कि क्या आप एकजुट हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है।
अगर हम जेडीएस की बात करें, हम जेडीयू की बात करें, हम समाजवादी पार्टी की बात करें या आरजेडी की बात करें, तो क्या ये सब आपस में एक है? जो जनता दल परिवार था, क्या वो एक है? नहीं है। तो अगर आप एक नहीं है तो फिर आपकी राजनीति क्या इतनी है कि आप देश की सत्ता आरएसएस को आप हटाकर आप सत्ता बना सकते हो? और अगर नहीं कर सकते तो निश्चित तौर पर समाजवाद ठीक है, वो लोहिया के समय एंटी कांग्रेस मूवमेंट के तौर पर आया था और वो इसलिए था क्योंकि उस समय कांग्रेस बड़ी सत्ता थी और वो पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम आरएसएस की और बीजेपी की बात करें तो ये पूंजीवाद के साथ साथ देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। तो फिर आपकी पॉलिटिक्स आपको तय करना पड़ेगा। और जब जब ये चीजें जब होती हैं तो निश्चित तौर पर अगर आप अगर ये कहें कि ठीक है मतलब चलेगा तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि लोग जो है वो देख रहे होते हैं, लोग समझ रहे होते हैं और ये चीजें लंबी नहीं चलती हैं। कुछ समय आप उनको भ्रम में रख सकते हैं। और नीतीश कुमार तो वैसे भी उनकी तो राजनीति मतलब वो कहां रहेंगे, कब रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये तो किसी को कुछ पता नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं और वो किसी के भी साथ रहकर मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो ये कुल मिला के जो जो पूरी जो पॉलिटिक्स जिस तरीके से चल रही है, आपको अगर ये बात अगर समझ में आती है, नहीं आती। अब एक केजरीवाल के ऊपर और मैं थोड़ा सा एक टिप्पणी कर देता हूँ। केजरीवाल देखिए, ये बात आपको याद हो कि सबसे पहले हम ही लोग थे जिन्होंने जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तब ये लिखा था कि ये आरएसएस प्रायोजित है। सबसे पहले मुझे लगता है हम ही लोग थे जिन्होंने ये लिखा था जब हमसे लोग लड़ते थे कि नहीं तुम आरएसएस का इसको कैसे कह रहे हो। ये बात दूसरी है कि और आप दोनों जाते थे, रिपोर्टिंग करते थे, रोज वहीं वहां देखते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रोज एक्सपोज करते थे। और आप याद कीजिए कि उस मंच पे मंच से यही केजरीवाल जी हमारे ही अखबार को उठा के दिखाया करते थे कि देखो कुछ अखबार वाले हमारे इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। उस समय हम लोग एक्सपोज करते थे इस पूरी घटना। मैं एक और आपको चीज बता दूं कि जो अन्ना हजारे का जो कोर ग्रुप बना था जिसमें 12-15 लोग थे, उसमें 7 से 8 मेरे परिचित हैं और वो लोग मुझसे लड़ते थे कि यार तुम उसको आरएसएस का आंदोलन कैसे कह रहे हो। और मैं ये बात कहता था कि यार ये बात आपको आज समझ में नहीं आएगी। और आज वो सारे के सारे लोग उस आंदोलन से निकल चुके हैं और वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ ये हमसे गलती हुई। तो केजरीवाल तो आरएसएस का टूल है। और ये बात भी आप समझ लीजिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी मॉडल फेल होगा उस दिन केजरीवाल मॉडल आरएसएस लेकर आगे बढ़ेगा, इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर केजरीवाल क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं लगता कि उसका बहुत ज्यादा कोई असर होना है। अगर आप पंजाब की बात करें वहां भी आरएसएस ने पूरा बैकिंग किया केजरीवाल को। आप अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी आरएसएस के एक बड़े ग्रुप ने बैकिंग किया। केवल इसलिए केजरीवाल एक आपको गुजरात में या पंजाब में आपको ताकत बन के दिखे, जहां पर आरएसएस के पास ये चॉइस नहीं है। आप अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, आप गोवा की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करें, वहां सारी जगह से जहां पर इनको आरएसएस का सपोर्ट नहीं मिला है ये लोग मैदान छोड़कर भाग गए हैं। बीच चुनाव में ये हिमाचल प्रदेश से भागे हैं। तो इसलिए ये कर्नाटक में कुछ बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि आरएसएस के सामने बीजेपी को बचाए रखने की चुनौती है। राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आरएसएस के सामने बीजेपी को बचाए रखने की चुनौती है। और अगर बीजेपी मॉडल जो है वो फेल हो जाता है, यानी बीजेपी मॉडल मतलब मोदी मॉडल जो है वो फेल हो जाता है, तो केजरीवाल मॉडल तो सामने है ही। एक विकल्प आरएसएस हमेशा लेकर के चलता है, आप सब जानते हैं। जब कुछ नहीं था तो कांग्रेस भी एक विकल्प होता था। इसमें भी कोई इफ बट वाली बात नहीं है। आप कांग्रेस के लोगों से पूछ लीजिए, तहकीकात कर लीजिए। कांग्रेस भी आरएसएस के एक मॉडल में से एक रही है पार्टी के रूप में देखा जाए तो। खैर, आना चाहता हूं धनंजय जी, बहुत गंभीर बातें अभी बता रहे थे भारत शर्मा जी, लेकिन इससे इतर अगर कर्नाटक, क्योंकि आप पास में एडज्वाइनिंग, मैं बार बार पिछली बार भी आपसे कह रहा था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र अपने दक्षिणी पार्ट को और कर्नाटक अपने उत्तरी पार्ट की सीमा को, और दोनों शेयर करते हैं और उसमें लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन साथ साथ बहुत कुछ साथ है। और ऐसे में केसीआर भी कर्नाटक जा रहे हैं, केजरीवाल जी कर्नाटक जा रहे हैं, और आज तो बयान उनका भी आ रहा था, असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी आ रहा था बिहार पे, और नीतीश कुमार पे बड़ा उखरे हुए थे वो भी। तो ये तमाम बातें हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीतियां, उसको भी बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं। जरा आपकी टिप्पणी कर्नाटक चुनाव और उसमें ये तमाम फैक्टर्स। पार्टियां अपना परसेप्शन बनाती है। मेरी तरफ से ऑन है, आ रही आवाज, मेरी आवाज आ रही है? तो मैं बोलू, मैं मेरे पास तो मैं कह रहा, दीपक भाई को आवाज आ रही है, राजीव जी के यहां शायद दिक्कत। तो
तो मैं कह रहा था कि देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने परसेप्शन के आधार पे चलती हैं। हम ये पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा है कि परसेप्शन से सत्ता हासिल की जा रही है, और बीजेपी ने एक परसेप्शन गढ़ा, वो 2014 के चुनाव के पहले से गढ़ना शुरू किया कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है, और ये परसेप्शन गढ़ने में बीजेपी कामयाब हुई, चाहे अन्ना आंदोलन के भरोसे हुई या आरएसएस ने अपनी मुहिम चलाई या जो भी कांग्रेस को लोग संभाल नहीं पाए, कुछ भी कारण गिन लीजिए जो आपको मन करे, किसी को जनता को जो सुनने वाले। और जब पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में दिन रात है या राजनीति दिन रात कर रहे हैं, बुद्धिजीवी ये नहीं समझ पाए कि ये क्या परसेप्शन गढ़ा जा रहा है और किस तरह से गढ़ा जा रहा है, तो समझिए कि जनता जो है, जो आम आदमी है, वो किस तरह से चीजों को देखेगी। अच्छा, फिर एक और बात है कि ये जो पिछले दिनों, पिछले कुछ सालों से जो चैनल का रूप दिखा है, ये जो गोदी मीडिया जिसको लोग कह रहे हैं आज, जो मुख्य धारा मीडिया है, वो कम्प्लीटली जो है एक पार्टी के तौर पे परसेप्शन गढ़ने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। अब देखिए सारे चैनलों पे अभी क्या चल रहा है या लगातार क्या चलता रहा, मोदी जी को महान बताने में लगा रहा। अभी मोदी जी ने कहा कि जो सीबीआई जो है वो इंसाफ और न्याय का ब्रांड है। अब बताइए, अगर सीबीआई ब्रांड है तो न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका, अब इस पे कोई बहस नहीं कर रहा उस तरीके से, वो कह रहा है मोदी जी ने क्या कमाल बात कही है, भ्रष्टाचार खत्म करने का काम, मतलब सीबीआई, क्योंकि अभी ईडी और सीबीआई पिछले दिनों जो किया है उससे जनता में उसकी छवि खराब हुई है, मलिन हुई है। तो मोदी जी चूंकि ब्रांड, वो उनके पास वो वॉशिंग मशीन है, तो वो अब सीबीआई को धोने में लगे हुए हैं कि सीबीआई जो करती है वो गलत नहीं करती है, तो इस तरह का परसेप्शन गढ़ रहे हैं। लेकिन मैं कहूं कि परसेप्शन कोई कुछ गढ़ो, जनता जो है अपना परसेप्शन गढ़ती है, क्योंकि जो आप निर्णय ले रहे हो जनता तक वो मैसेज पहुंचता है, जनता देख रही है कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है, जनता ये देख रही है कि उसके जीने के अवसर किस तरह से कमजोर हुए हैं, जनता देख रही है कि उनके पास पैसे कम आ रहे हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम या जो भी जाति के भावनाएं हैं, चूंकि हम सब भावना प्रधान देश के लोग हैं, कृषि प्रधान भले कहते हैं लेकिन भावना प्रधान के देश लोग हैं, हम भावनाओं पे चलते हैं, क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तर्क पे नहीं चलते, भावनाओं पे ज़्यादा चलते हैं, तो भावनाओं से हमें भटका लिया जाता है, लेकिन फाइनली हमको समझ में जब आता है कि ये गलत लोग हैं यार, ये तो गुमराह कर दिए, तो फिर जनता वैसे ही रिएक्ट करती है। और मुझे लगता है कि जो भी किया बीजेपी ने उस तक पहुँच गया है कि 400 का सिलेंडर 1100 का कैसे, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बच्चों को पढ़ाना महंगा हो गया है, इलाज महंगा हो गया है, खाना खाना मुश्किल हो गया है, ये जनता देख पा रही है। और जनता ये भी देख रही है कि जो हिंदू मुसलमान हो रहा है ये क्यों हो रहा है। और राहुल गांधी को भी जनता ने देखा है कि राहुल गांधी पिछले लंबे समय से लगातार, अगर विपक्ष की कोई आवाज है आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर, तो राहुल गांधी है, ये जनता देख पा रही है। इस देश का मैं देख रहा हूँ कि बुद्धिजीवी वर्ग भी देख रहा है, भले उस तरह का एक जो जो कांग्रेस के खिलाफ जो सिविल सोसाइटी का आंदोलन होता रहा है या कांग्रेस के खिलाफ जो है एक अलग किस्म का आंदोलन होता रहा है, वो नहीं हो रहा है किन्हीं वजहों से, शायद वो सिविल सोसाइटी के लोग भी डरे हुए हैं, वो नहीं निकलना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से एकदम, जिसको कहते हैं कि बादलों के बीच से निकल करके आना है सूरज का, उस तरह से राहुल गांधी निकल के आ रहे हैं, और उसी का असर है कि कर्नाटक में बदलाव आप देख पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के जो एमएलसी हैं या बीजेपी के जो विधायक हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। देखिए ये एक संकेत होता है, ये राजनीतिक लोग जो है बड़ी जल्दी भांप लेते हैं किधर जा रहा है माहौल, जैसे हमारे रामविलास पासवान भांप लिया करते थे कि सरकार किसकी बनने वाली है, तुरंत वो पाला बदल लेते थे, तो ये नेता लोग जो है बदल लेते हैं, और वो बदलाव बता रहा है कि कांग्रेस का जो है वेटेज बढ़ रहा है, और कांग्रेस का वेटेज इसलिए बढ़ रहा है कि कांग्रेस ने अपना नेता चुना है। एक तो अध्यक्ष जो खड़गे साहब है उन्होंने अपनी अपनी उपयोगिता साबित की है और बताया है कि ये जो है, ये जो लोग आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी के लोग कि ये जो है ये आला कमान से संचालित होते हैं, ये तो बस जो है कठपुतली है, खड़गे साहब ने साबित किया कि कठपुतली नहीं है, वो अध्यक्ष है। नड्डा साहब के सामने अगर खड़गे साहब को खड़ा करे तो बहुत ऊंचे दिखाई पड़ते हैं खड़गे साहब। और अब देखिए कि बीजेपी के लोग खड़गे साहब पे हमला करने पे संकोच कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं हमला उल्टा न लौट आए। तो राहुल गांधी पे भी जिस तरह से हमला करते रहे
वो देखिए कि ईडी सीबीआई तमाम चीजों को लगा करके देख लिया कि राहुल गांधी उससे डरे नहीं और राहुल गांधी के खिलाफ कुछ साबित हुआ नहीं। अब ठीक है, इस देश में आरोप जो है लंबा समय चलता रहता है और यहाँ तो हम जो पुराने आख्यान जानते हैं तो कृष्ण पे भी आरोप लग गया था गहने हार चुराने का, तो ये आरोप तो लगता है लेकिन उस आरोप से निकलने में वक्त भी लगता है। लेकिन जनता जो है, एक कहावत कही गई है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन का जनता ही मालिक कहलाती है। तो जनता जो है वो देखती है और जनता, आप याद कीजिए कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हो गया था और कांग्रेस के लोग भी इंदिरा गांधी को छोड़ करके निकल आए थे और जनता पार्टी की सरकार बनी, देसाई साहब प्रधानमंत्री बने, लेकिन कितने साल रहे, उनके अंतर्विरोध खुद टूट करके बिखर गए और फिर जो है वापस इंदिरा गांधी लौट आई पूरी ताकत के साथ। उनके बाद फिर राजीव गांधी लौट के आए और पूरी ताकत के साथ, इतनी ताकत के साथ लौट के आए कि इनको सबसे ज्यादा जो है बहुमत मिला, इतना बड़ा बहुमत किसी को मिला नहीं था। फिर जो है कांग्रेस के ही लोग फूटे और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है आंदोलन चलाया और फिर विपक्ष के लोग इकट्ठा हुए और फिर जो है राहुल राजीव गांधी को हराया गया, फिर तो उनकी उनका उनकी शहादत ही हो गई। तो ये हम देखते आ रहे हैं और ये एक स्थापित हो गया है। एक था कि बीजेपी को अगर पूर्ण बहुमत मिलेगा तो पता नहीं देश में क्या क्रांति आ जाएगी और देश जो है स्वर्ग चला जाएगा, या कहिए कि बड़ा दुनिया में नाम हो जाएगा, देश को स्वर्ग बना देंगे, ऐसी एक धारणा थी लोगों में, हम ये महसूस कर रहे हैं क्योंकि वाजपेयी जी ने एक उम्मीद जगाई थी। लेकिन मोदी जी का ये जो पिछला 9 साल है उसमें जनता ने देख लिया है कि ये जो जो कह रहे थे, जिन वादों के साथ आए थे कि महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, अब राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि ये जो 20,000 करोड़ रुपया है वो किनके हैं, अब उनको जवाब नहीं सूझ रहा है। आप उनको जो है गलत तरीके से फंसाते हो और उस पर जो है उनसे उनकी सदस्यता रद्द करवा देते हो, उनके जो भाषण है, उनके जो सवाल है उसको स्पंज कर देते हो, आप जो है उनके खिलाफ अभियान चलाते हो, अरबों करोड़ों रुपए खर्च करते हो कि उनको पप्पू साबित किया जाए, तरह तरह के आप हथकंडे अपना लिए, विपक्ष को धमकाने का काम किया जो दूसरे दूसरे दल हैं। तो लेकिन बावजूद इसके ये दिखाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी एक निर्विवाद नेता के तौर पर, एक आदर्श नेता के तौर पर, एक ईमानदार नेता के तौर पर हमारे सामने आज खड़े हो चुके हैं। मोदी के वर्क्स अगर आप देखते हैं तो आज मोदी के आसपास भ्रष्टाचार दिख रहा है, मोदी के आसपास अराजकता दिख रही है, मोदी के आसपास अधिनायकवाद दिख रहा है, मोदी के आसपास झूठ का पुलिंदा दिख रहा है, झूठे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए कि राहुल गांधी से अब वो चले गए हैं, जब डिग्री का सवाल आया तो महात्मा गांधी पे चले गए और उन्होंने कहा कि महात्मा, अब देखिए वो राज्यपाल उपराज्यपाल हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, मनोज सिन्हा पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास डिग्री है और वो डिग्री हासिल की है, महात्मा गांधी के बारे में लेख लिखा होगा तो उन्होंने लिखा होगा कि महात्मा गांधी ने जो है बैरिस्टर की डिग्री ली थी फॉरेन से, बावजूद इसके वो कह रहे हैं उनके पास डिग्री नहीं। तो इस तरह से झूठ बोलते हैं ये लोग, ये झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। अब आप एक और बात मैं कहूं कि जो ममता बनर्जी हो या केजरीवाल हो या नीतीश कुमार हो या और दूसरे लोग, महाराष्ट्र में भी सावरकर के मुद्दे पे शिवसेना के लोग खड़े हो गए थे राहुल गांधी के खिलाफ कि आप सावरकर की बात मत कीजिए। देखिए सब अलग अलग पार्टियां हैं तो सबका अपना अपना एजेंडा तो होगा और सबको लगता है कि हम सत्ता में सबसे ज्यादा आगे रहे, ये नेचुरल है, और राजनीति करने आए तो राजनीति करेंगे। लेकिन फाइनली जब समझ में आता है कि जनता जब ये तय कर देती है कि हमको किधर खड़ा होना है, तो सारी पार्टियां जो है अपने मतभेद को या अपनी महत्वाकांक्षा को दबा करके एक तरफ खड़े होती है। जैसा कि कहा वहां के जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के स्टालिन ने कि अभी ग्रे शेड में खड़े होने की जगह नहीं है, अभी आपको आना पड़ेगा, आप इस पार हो कि उस पार हो, और इस पार उस पार की जब बात हो रही तो अभी 1 साल चुनाव में है, कर्नाटक का चुनाव होने दीजिए, तो कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत होगी और बीजेपी की हार होगी, ये एक नया एजेंडा सेट करेगा 2024 का, और मुझे लगता है यही एजेंडा जो है 2024 में चलेगा, और जो सारे विपक्ष के लोग जो आज अलग अलग दिखाई पड़ते हैं मुझे लगता है एक जगह दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी को जब उनकी सदस्यता खत्म की गई तो केजरीवाल भी खड़े हुए, साथ में आके खड़े हो गए, नीतीश कुमार की भी बात अगर जो मीडिया में चलाया जाए, नीतीश कुमार ने नहीं कहा, नीतीश कुमार ने कहा और ललन सिंह ने बोला उसके, और नीतीश कुमार का हमेशा एक एजेंडा रहता है कि कानूनी मैटर पे या जहां अदालत की बात आती है या जो प्रशासन की बात आती है वहां नहीं बोलते, राजनीतिक मसलों पे बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन अभी बिहार शरीफ में समझिए, देखिए दंगा हुआ, उनका गृह जिला है और ये नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश है, और वहां पे इस तरह की बातें खूब भयंकर तरीके से की गई, फैलाई गई,
लेकिन नीतीश कुमार ने वहां खुद को जाकर के राजनीति करने के लिए नहीं प्रस्तुत किया। जो गृह मंत्री हमारे उन्होंने जाकर के राजनीति की। नालंदा के बिहार शरीफ के बगल में कुछ किलोमीटर की दूरी पे हिसुआ है, नवादा का एक जो है ब्लॉक है, वहां जाकर के वो भाषण देते हैं। और भाषण क्या देते हैं वहां? भाषण जो है सांप्रदायिकता के आग को बुझाने का भाषण नहीं देते। वो कश्मीर की बात उठाते हैं, वो हिंदू की बात उठाते हैं, वो 40 सीट जीतने की बात करता है। अरे भाई, आप जीतने की बात तो अभी कीजिए कर्नाटक में, बिहार में तो चुनाव हो नहीं रहा है। तो नीतीश कुमार का ही रहता है कि भैया आप प्रशासन का काम प्रशासन करें। हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं, और नीतीश कुमार की तरफ से मैं एक बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि नीतीश कुमार बाकी विपक्ष के नेताओं की तरह नहीं है जो जनता की आवाज को या जनता के मूल्य को या जनता के जो हित है उसको नहीं समझते। तो कांग्रेस के साथ वो हैं, और उन्होंने जो मॉडल खड़ा किया है वो मॉडल जो है देखिएगा, जब लोकसभा का चुनाव अनाउंस होगा तो उसमें बड़ा मजबूत नेता के तौर पर या घटक के तौर पर नीतीश कुमार दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है कर्नाटक का चुनाव होने दीजिए, कर्नाटक के चुनाव के बाद बहुत कुछ बदलेगा नीतीश में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल धनंजय जी, यही समझने की कोशिश कि आखिर नीतीश कुमार किस दिशा में हैं और केजरीवाल साहब किस दिशा में हैं। केजरीवाल साहब डिग्री की जो बात लेकर के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की, बहुत सारे साथी और बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस वो आज की बात है कि उन्होंने की है नहीं की है? ये मामला बहुत पहले से चल रहा है, और ऐसे कई सारे फर्जीवाड़ा जो हैं वो बाहर निकल के आएंगे। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी ने जो बात रखी है कि आखिर ये 2000 करोड़ रुपये किसके हैं, इस पर बात करने की जगह अगर कांग्रेस के लोग भी डिग्री के पीछे भागने लगेंगे तो फिर आप समझ जाइए कि आप किसी और के एजेंडे में फंस रहे हैं। ये तय मानिए, दलीलें आपकी अलग हो सकती हैं, मेरी अलग हो सकती हैं, लेकिन आप इसके अंदर जाके कोशिश कीजिए, झांकने की कोशिश कीजिए। यहां मामला जो है 20,000 करोड़ रुपए का है, डिग्री की बात है, और डिग्री की बात बाद में भी छानबीन तो होगी ही, लेकिन आज ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं अगर राहुल गांधी पूछ रहे हैं। राहुल गांधी अगर एक लंबी यात्रा करके आते हैं लगातार अदानी के नाम पर नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों के का रिश्ता क्या कहलाता है ये समझने की कोशिश और जनता के बीच अगर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें जो कांग्रेस के लोग खासकर हैं वो तो डिरेल खुद को ना करें, वो तो उनके साथ रहें। आपको केजरीवाल या ममता बनर्जी या मायावती या अखिलेश यादव या नीतीश कुमार, चलिए दो मिनट के लिए नीतीश कुमार को मान ले इसी खेमे के, छोड़ देता हूं उनको, लेकिन केसीआर, ये तमाम लोगों को भी चेक तो करना ही पड़ेगा। हमारे साथ दो और साथी जुड़ गए हैं, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी और सुनील शुक्ला जी दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें कर रहे हैं हम, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि चुनाव सिर पे है, कर्नाटक का चुनाव, उसकी घोषणा हो चुकी है। कर्नाटक में बीजेपी के कई नेता जो हैं वो धीरे धीरे अपना उधर का पाला छोड़ करके इधर यानी कि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब है, साफ समझ में आ रहा है कि जो सर्वे आ रहे हैं, जैसा वहाँ धरातल की जो परिस्थितियाँ हैं वो बता रही हैं कि इस बार बीजेपी की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी बीजेपी के हिसाब से। इधर बीजेपी खेमे में भी बहुत कुछ चल रहा है। आज ही जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो अपने सोशल मीडिया विंग के लोगों से आज मीटिंग कर रहे हैं, और आगे कैसे ट्रोल आर्मी को तैयार किया जाए उस पर शायद मीटिंग हो रही होगी, और कांग्रेस को कैसे घेरा जाए खासकर उस पर मीटिंग हो रही होगी। तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी आज भी कह रहे हैं वही बात, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। सीईसी की बैठक में गए और वहां से निकल के भी यही सवाल उन्होंने पूछा। राहुल गांधी का ट्रैक, क्योंकि 9 तारीख को राहुल गांधी सत्यमेव जयते मिशन की शुरुआत भी कर रहे हैं उसी कोलार से, जिस कोलार में दिए हुए उनके भाषण के बाद, अब तो कोलार सबको रट गया होगा, भाषण के बाद उनको 2 साल की सजा हुई है। क्या देखा जाए, राहुल वहां पहुंचते हैं उसी कोलार में, ये क्या होगा, ये झटका होगा या कुछ और होगा? क्या एक जबरदस्त तैयारी है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि एक दिख रहा है सियासी विस्फोट यहां जो हम महसूस कर पा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, जरा आपका विश्लेषण, और क्या कुछ नया है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आप लेकर रोज आते हैं, आज क्या नया है आपके पास प्रशांत टंडन जी, जरूर बताइए। तो देखिए, कर्नाटक से ही आ रहा है, काफी कुछ आ रहा है, और येदुरप्पा की तरफ से आ रहा है,
तो वो भी बात करेंगे। अभी मैं भरत जी को सुन रहा था, धनंजय जी को सुन रहा था आने से पहले, और भरत जी की बात में सिर्फ एक बात जोड़ दूं कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं भरत जी कि जो आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से लेफ्ट का वहाँ पे जो है वो ताकत बढ़ रही है, तो उसके दो सबूत मिले हैं पुख्ता, सागर डिगी का भी राजीव जी बता रहे थे, उसके अलावा हल्दिया पोर्ट काउंसिल की 19 की 19 सीटें चली गई लेफ्ट और कांग्रेस के पास, तो वहाँ पे एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री है। उस मूवमेंट की जो वजह है वो एक वोट शिफ्ट है कहीं ना कहीं, और उसकी रेंज मुझे मतलब महाराष्ट्र से लेके बंगाल तक 2000 किलोमीटर की रेंज दिख रही है। देखिए कर्नाटका में आते राजीव जी, और कर्नाटका का मामला ये कि बड़े आश्चर्य की बात है कि येदियुरप्पा साहब उनकी पार्टी ने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन ले लिया, और वो रिजर्वेशन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो वो 4% रिजर्वेशन ले लिया मुसलमानों का, उसको 2% लिंगायत को 2% वोक्का लीग को बांट दिया। अब ये गले की फांस बन गई है, और येदियुरप्पा साहब अब आज मुसलमानों से कह रहे हैं कि देखिए हमने कभी भेदभाव नहीं किया। बीजेपी के नेता अभी वहाँ पे हिजाब को लेके इतना कुछ चल रहा था, वहाँ पे दुकानें मीट की बंद करवाई गई हलाल और झटका के मामले को, जो कि कर्नाटक का मुद्दा ही नहीं है, उसको खैर बीजेपी ने वापस लिया है। ये भी आपको बता दें कि यू टर्न हुआ है उसमें, वो कैंपेन वापस हुआ है। टीपू सुल्तान की बात अब बीजेपी का कोई नेता करेगा नहीं। नड्डा जी से अगर आप टीपू सुल्तान की बात करवा दें तो मैं आपको डिनर दूंगा। अब दूसरी बात यह है कि 4% का जो रिजर्वेशन था, देखिए वो उनकी लिंगायत और वोक्का लीग जो दो बड़ी समुदाय हैं वहाँ के, उनकी पुरानी डिमांड थी एक जो है लिंगायत 15% रिजर्वेशन मांग रहा है और वोक्का लीग 12% मांग रहे हैं जी। अब ये जो 2-2% एक्स्ट्रा मिला उनको, तो उनका रिजर्वेशन हुआ 6 और 7%, यानी वोक्का लीग का 6% और लिंगायत का 7%। बहुत नाराजगी है, यानी जो उनकी ओरिजिनल डिमांड थी वो, और एक बहुत सुखद आपको मैं खबर दूं कर्नाटक से, जो कि वाकई जिसको कहें कि सिल्वर लाइनिंग है जी। कि एक वहाँ पे पंचम साली लिंगायत, जो सबसे लिंगायत कम्युनिटी में बड़े सारे सेक्ट हैं राजीव जी, उसमें जो सबसे बड़ा सेक्ट है वो पंचम साली लिंगायत है। अब इनके पंचम साली जो लिंगायत हैं वो 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवन्ना के ये अनुयायी हैं। ये लोग बड़े इंक्लूसिव लोग हैं, इनके तरफ से बयान क्या आया, इनके प्रेसिडेंट की तरफ से, इनके प्रेसिडेंट आनंद हैं, उनकी तरफ से बयान आया है कि हमारी फिलॉसफी, हमारा दर्शन, हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि हम किसी का छीन कर लें। तो वो मुसलमानों का जो 2% उनको काट के मिला रिजर्वेशन, उसका विरोध कर रहे हैं वो। देखिए इस समाज में ये भी हो रहा है जी। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बिहार और बंगाल में क्या हुआ और कर्नाटक से क्या आ रहा है। उनके प्रेसिडेंट का बयान है, कितनी सुखद बात है कि ये दक्षिण भारत है, ये बसवन्ना की टीचिंग्स हैं। वो कह रहे हैं हमारे हमारे बसवन्ना की फिलॉसफी ये नहीं कहती है कि हम किसी का हक छीने, तो हमको वो रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हमारा रिजर्वेशन जो पहले बात हो रही थी वो लो। तो दोनों कम्युनिटी में बड़ी नाराजगी है। तो ये जो जिसको हिंदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक कह रहा है, कन्नड़ मीडिया नहीं बता रहा मास्टर स्ट्रोक, कन्नड़ मीडिया में वो चल रहा है जब मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी वहां पे करप्शन बहुत बड़ा इशू है, जो राहुल गांधी लगातार जो बात कह रहे हैं, वहां पे वीडियोस घूम रहे हैं 40% वाले, और ये पे सीएम वो इस तरीके कैंपेन, तो करप्शन बहुत बड़ा इशू है।
और जो इश्यूज मैंने बताए वो बड़े इश्यूज हैं, नॉन गवर्नेंस इशू है, जॉब्स इशू है, तो रियल इश्यूज में कर्नाटक में चुनाव हो रहा है। और एक और जो इंडिकेशन हम लोग पढ़ सकते हैं राजीव जी, पंजाब के चुनाव हुए थे तो ईडी पहुंच गया था चन्नी साहब के घर, चन्नी साहब के भतीजे के घर, किसी के कजिन के घर। महाराष्ट्र के चुनाव हुए, गुजरात के चुनाव हुए तो कांग्रेस के नेता पहुंच गए। अभी तक कर्नाटक में नहीं गया ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। इस संदेश को भी पढ़िए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा सख्ती की है इलेक्शन कमीशन को, उन सब चीज का कलेक्टिव असर भी दिख रहा है। तो कर्नाटक में जो आपकी एनालिसिस है वो फिलहाल तो सही होती दिख रही है। राहुल गांधी वहाँ कैंपेन करेंगे, 24 दिन भारत जोड़ो यात्रा वहाँ पर थी, अच्छा स्वागत हुआ था, उसका असर दिखाई देगा। और कांग्रेस के पास वहाँ पर रेंज ऑफ लीडर्स है, यानी अब खड़गे साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनका एक असर होगा। और वो वहाँ की बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बढ़िया भाषण देते हैं, और दोनों भाषाओं में भाषण देंगे। वो मराठी जो बॉम्बे कर्नाटका है उसका नाम कुछ और रख दिया गया है, तो उसका उस मराठी में बोलते हैं, वो कन्नड़ बोलेंगे बढ़िया। डी के शिव कुमार हैं, वो कलीग हैं, बड़े नेता हैं वहाँ के। बी वी श्रीनिवास हैं और सिद्धारमैया जो चीफ मिनिस्टर रहे, तो चार बड़े नेता वहाँ पे, और चारों अलग अलग कम्युनिटी के हैं। तो ये स्पेक्ट्रम जो है बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी में अभी टिकट को लेके भी बड़ा हंगामा मचा हुआ है। अब येदियुरप्पा जी के बेटे को ये लोग सिद्धारमैया के सामने वरुणा सीट में टिकट देना चाह रहे हैं। येदियुरप्पा चाह रहे हैं कि उनका बेटा उनकी सीट से लड़े जो शिकारीपुर है, जो लिंगायत की स्ट्रांग होल्ड भी माना जाता है। वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी की हाई कमांड उनके ऊपर दबाव डाल रही है कि वरुणा सीट पर लड़े, और उसमें भी लिंगायत लोगों का मानना है कि हमारे नेता के लड़के को ये बलि का बकरा बना रहे हैं सिद्धारमैया के खिलाफ। तो बीजेपी कैंप में काफ़ी कन्फ्यूजन है कर्नाटका में, जिसको अभी हम जब कांग्रेस का कैंपेन वहाँ जाएगा और कैंपेन जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, तो हम देखेंगे। अब मोदी जी वहाँ पे जाके क्या कहते हैं, क्योंकि मोदी जी भी लगातार जाएंगे, तो क्योंकि टीपू सुल्तान वापस हो गया है और भी तमाम सारे मुद्दे बैक बर्नर पे चले गए हैं। तो जानते ही हैं कि मोदी जी के पास अगर कुछ नहीं होता है तो उनकी तरकश में एक तीर है, उस तीर का नाम है विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो वो जो सुपारी और क्या क्या जो अभी उन्होंने शुरू किया है, वो शायद वो तीर वहाँ छोड़ने की कोशिश करें, जब टीपू सुल्तान से लेकर के और शुरुआत से ही जिस येदियुरप्पा के इर्द गिर्द कर्नाटक की राजनीति बीजेपी की के साथ साथ चलती रही, यानी कि बीजेपी को आगे बढ़ाने में येदियुरप्पा सबसे आगे रहे, वो येदियुरप्पा जैसा आप बता रहे हैं वो अभी पीछे हैं, और उन्होंने कह भी दिया है कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वैसे में अब क्या है बीजेपी के पास, और क्या आप जो कह रहे हैं कि एक नहीं चार चार और चारों अलग अलग कम्युनिटी के कांग्रेस के पास जो नेता हैं, और सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी लीडरशिप में ये पहला चुनाव उनके ही राज्य में, कैसे आखिर खड़गे साहब छोड़ देंगे ये और 55 साल का उनका अपना अलग इतिहास है, और जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के लोग, और ऐसे भी तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कहां जाने वाली हैं। कर्नाटक बहुत मजेदार गेम होने वाला है, बहुत ही मजेदार। अच्छा, मैक्सिमम अपील राजीव जी कहां होगी मोदी जी की? मैक्सिमम अपील कहां होगी? मैक्सिमम अपील बेंगलोर में होगी ना, जहां पे हिंदी भाषी लोग भी होंगे थोड़े बहुत, काफी दूसरे राज्यों के लोग भी होंगे, क्योंकि मेट्रोपोलिटन सिटी है। उसी बेंगलोर में आप पिछले 3-4 चुनाव का आप देखिए, वहां पे 28 से 30 सीटें हैं, ज्यादा सीटें कांग्रेस की आई। यानी जब वो तोड़फोड़ हुई और बीजेपी से लोग निकले, दोबारा चुनाव लड़े, कांग्रेस से निकल के दोबारा चुनाव लड़े और बीजेपी के टिकट जीत गए, उसके बाद भी बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें हैं उसमें कांग्रेस अभी भी आगे, और वो पिछले 3-4 चुनाव में कांग्रेस ने अपना मार्जिन वहाँ बढ़ाया है। तो चुनाव मज़ेदार है, मुश्किल है, और चुनाव ऐसे ही होना चाहिए बराबरी का।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, चुनाव बराबरी का होना चाहिए। बहुत कुछ सुन रहे थे अभी तक। सुनील शुक्ला जी, आपके पास सुनील जी आना चाहता हूं। क्या कुछ कहेंगे आप, जो कुछ देश में चल रहा है, दंगा फसाद, दंगा, ये शब्द सुनकर ही ऐसे जो सिहर उठता है इंसान, सच बताऊं तो, और जो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी देश में और एक अंतराल के बाद, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे बिहार हो, और पैरेलली हम देख रहे हैं कि चुनाव भी है सामने, बातें जो होती हैं उसमें कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें रखते हैं, कभी कहते हैं वो कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझे जिस चौराहे पर चाहो, उसके बाद कभी वो कहते हैं कि मेरे लिए सुपारी दे दी, कभी वो कहते हैं कि कब्र खोद रहे हैं लोग, तो कुछ से कुछ कुछ से कुछ वो बोलते रहते हैं। उसके अलावा बाकी उनकी बातें हम लोग सुन चुके हैं, कितनी बातों को दोहराया जाए, बहुत कुछ है। लेकिन इन सब का असर क्या, जैसे वेस्ट बंगाल के चुनाव में कितना वो दीदी राग अलापते रहे, नहीं किसी ने नहीं सुनी, और जबरदस्त वोट से जीत करके आ गई ममता बनर्जी, और लगातार बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलती रही। हालांकि बाद में खुद उनके भतीजा राम जो हैं वो फंसे हुए हैं, और बेचारी वो भी फंसी हुई हैं, क्या करें, बेचारे लोग हैं। वैसे ही केजरीवाल हैं, वैसे ही और लोग हैं। उधर ना जाते हुए सीधा आना चाहता हूं कर्नाटक पे, और आपसे भी समझना चाहता हूं कि कर्नाटक का जो गेम है, और इसमें राहुल गांधी सबसे ज़्यादा समय वहाँ पर बिता के आए हुए और फिर से जा रहे हैं ज़्यादा समय बिताने के लिए, ऐसे में जो बची खुची जो स्थिति अभी जो आज की तारीख में दिखाई दे रही है, मतलब आज से 10 दिन बाद जब हम कर्नाटक की बात करेंगे तो परिस्थितियां क्या और भी बदली हुई नजर आएंगी। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों आमने सामने, और जेडीएस के साथ, जैसा बताया जा रहा था अभी कि जेडीएस और कांग्रेस ने आपस में एक फ्रेंडली मैच खेलने का की प्लानिंग भी कर ली है, यानी कि जेडीएस और सब जगह होता है इसमें, कोई जहां जहां फ्रेंडली है अलग अलग एक साथ नहीं रहेंगे लेकिन फ्रेंडली मैच खेलेंगे। आपकी प्रतिक्रिया। धन्यवाद राजीव जी। कर्नाटक में निश्चित रूप से बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, लेकिन एक तरफा नहीं है। निश्चित रूप से बढ़त कांग्रेस की बहुत जबरदस्त है, और चुनाव के समय में राजनीतिक माहौल क्या होता है इसका एक बड़ा पैमाना यह है आजकल कि किस दल के नेता छोड़ करके किस दल की तरफ जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों से नेताओं ने त्याग पत्र देकर के कांग्रेस की सदस्यता ली है, और कांग्रेस का जो प्रचार अभियान है, चुनावी अभियान है, और कर्नाटक की भाजपा सरकार के खिलाफ जो मुहिम है वो अब लगातार जारी है पिछले कई महीनों कई सालों से। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कर्नाटक में समय बिताया वो कोई बेंगलोर के एमजी मार्ग पर घूमने में नहीं बिताया, उन्होंने भी राजनीतिक बातें कही और कर्नाटक की सरकार पर जबरदस्त हमले किए। जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं, मतलब लोग जो सुनते थे कि 40% कमीशन वाली सरकार, इसको राहुल गांधी ने भरी सभा में इस बात को उठाया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात कही। मैं जो महसूस करता हूँ कि वहाँ पे वोकालिगा और लिंगायतों के साथ साथ ब्राह्मणों और जो अल्पसंख्यक समुदाय है इसकी बहुत बड़ी जबरदस्त अपील है। बड़ी संख्या में वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं और उनकी से और एकजुट होकर के मतदान भी करते हैं। लिंगायत समुदाय की सबसे खासियत यह रही है कि लिंगायत समुदाय ने अपनी आक्रोश को व्यक्त करने में कभी संकोच नहीं किया। आप पिछले दिनों याद कीजिए जब भारतीय जनता पार्टी ने येदुरप्पा जी को सत्ता से बाहर किया, बुरी तरह से उनका मत प्रतिशत गिरा भारतीय जनता पार्टी का। और उसके पहले अगर आप जाइएगा कि जो वीरेंद्र पाटिल को कांग्रेस ने जब मुख्यमंत्री पद से हटाया था, अगले चुनाव में कांग्रेस वहां सिमट गई, लिंगायतों ने खारिज कर दिया पूरी तरह से कांग्रेस को। तो लिंगायत समुदाय कभी अपनी आक्रोश को व्यक्त करने में पीछे नहीं रहता। आज की स्थिति यही है। इस दोनों समुदायों को मिलाने की भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी ही एक ऐसी अप्रभावकारी कोशिश की, जो अल्पसंख्यकों का 4% मुसलमानों का जो आरक्षण था उसको छीन करके आप उनको 2-2% इन्होंने बांट लिया। इसका रिएक्शन बहुत जबरदस्त हुआ है। कन्नड़ी समुदाय निश्चित रूप से बिल्कुल मैं टंडन जी के पास सहमत हूँ, उन लोग किसी का छीन करके लेने में बहुत विश्वास नहीं करते। पूरे समाज में यह है कि उनका छीन करके हमको दे दो, उनको भी दो, हमारा हिस्सा भी दो। यह उस समाज की खासियत है।
इसलिए ये जो आरक्षण देने की उनकी अपनी पुरानी मांग जो है बढ़ाने की मांग है, एक तो उनकी मांग आपने पूरी नहीं की और समाज के जो जीवन जीने का तरीका है उसमें भी आपने हस्तक्षेप किया जो वहां का समाज स्वीकार नहीं करता, तो यह भी इनके पक्ष में नहीं गया। जो टीपू सुल्तान को लेकर के इन्होंने एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी उसको पूरे के पूरे समाज ने खारिज कर दिया, बुरी तरह से खारिज किया, और आज उस पर यह सत्तारूढ़ दल जो है बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का जो तौर तरीका है वह उससे कांग्रेस को पार पाना ही हो। लेकिन अच्छी बात क्या है कि वहां सिद्धारमैया और श्री कुमार दो बड़े मजबूत नेता, दोनों का जनाधार बहुत है और संगठन में पकड़ ही बहुत अच्छी, लेकिन दोनों खेमे में हलचल, जिस बात को अभी तक ये बात चलती चली आ रही थी कि ये दोनों के दोनों नेता कम से कम नेतृत्व के मुद्दे पर अभी शांत है, चुनाव तक कोई बात नहीं होगी। लेकिन सिद्धारमैया साहब ने एक इंटरव्यू दे करके उसमें एक नई तरह की हलचल पैदा कर जो कि अगर वो बचे रहते तो ज्यादा बेहतर होता। बावजूद इसके चूंकि बहुत साफ साफ तरीके से कोई बात उन्होंने नहीं कही है और उन्होंने सुकुमार जी के भी अस्तित्व को स्वीकार किया है, लेकिन वह जो साक्षात्कार है वह साक्षात्कार बहुत मैंने अच्छा लगने वाला नहीं है, जिसकी सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम कांग्रेस एकजुट संगठित और प्रभावकारी तरीके से कर्नाटक के चुनाव में रहेगी। वह उसमें थोड़ा सा मुझे आघात लगा, लोगों को भी लगा, लेकिन उससे बड़ा आघात भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था पब्लिक डोमेन में कि यह सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए तीन तीन उम्मीदवारों की सूची मांगेगी और केंद्रीय निर्वाचन आयोग समिति इस पर फैसला लेगी। इस निर्णय के विपरीत येदुरप्पा साहब ने घोषणा कर दिया कि हमारा बेटा हमारे शिकारीपुर से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने भी कहा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, वो उनके अपना उन्होंने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह की हलचल है। दूसरी चीज यह सही है कि जेडीएस ने अपने इलाके में, जेडीएस के प्रभावशाली इलाकों में कांग्रेस ने अपना समझौता कर लिया कि हम वहां आपको हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उस जेडीएस के इलाके में दूसरी मजबूत पार्टी कांग्रेस ही है, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है। जहां पे कांग्रेस है मजबूत है वहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है, वहां जेडीएस का कोई अस्तित्व नहीं है भारतीय जनता, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अंतर बहुत है। कोई यह भी तथ्य है कि जो स्ट्राइक रेट है वो कांग्रेस का भी अच्छा खासा है, 50,000 से अधिक मतों से जीतने वाले सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के पास अच्छी खासी है, लेकिन रिपीटिशन की संख्या बहुत कम है। मेरा अपना मानना यह है कि जो वहां पर सामाजिक समीकरण बन रहा है अल्पसंख्यक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है जी। लिंगायतों और मुकालिका दोनों समुदायों में बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, दलित समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। दलित समुदायों के जो स्वयंसेवी संगठन है और जो सिविल सोसाइटी के उनके लोग संगठन है उन्होंने इस सरकार के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है पूरे प्रदेश व्यापी, जो जिस तरीके से इस सरकार ने गवर्नेंस के स्तर पर निराश किया है उसका माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की जी। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, उस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया कि कांग्रेस के शासनकाल के लोग के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचारों की एक वीडियो जारी करना शुरू किया, या इसकी अपील कुछ नहीं बन सकती ना, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो आप उसी कार्रवाई से खिलाफ कार्रवाई करके बताइए कि ये भ्रष्टाचारी थे, मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई की, ये हमारी जांच का परिणाम है और ये इनके खिलाफ सजा है। वह पिछले 8-10 साल से आपने कुछ नहीं किया और एक नया नरेशन लेकर के आपने चलाने की कोशिश की कि ये देखिए भ्रष्टाचार हुआ, उसमें ऐसे तमाम तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है जो अदालत में कहीं खड़े नहीं। तो जो एक नाकाम कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की वह निष्प्रभावी साबित हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर्नाटक सरकार को लेकर के जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं वह सब तथ्य परक है, क्योंकि वहां के ठेकेदारों ने चिट्ठी लिखी, वह पब्लिक डोमेन में, वहां के किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के यहां से लाखों रुपए बरामद हुए, ये पब्लिक डोमेन में ये तथ्य है। वहां पे एक प्रतिष्ठित धार्मिक गुरु है, उन्होंने बयान दिया हुआ है कि उनके यहां काम कराने के लिए 30% रिश्वत मांगेगी, बड़े प्रतिष्ठित है और कर्नाटक के समाज में उनका बड़ा सम्मान है, उनका एक बयान आया। तो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये बुरी तरह से घिरे हुए हैं और इस तरह का कोई भी आरोप कम से कम सिद्धारमैया के जमाने में भी ये लोग कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा पाए थे। बाकी अगर आप वीरेंद्र पाटिल वगैरह के दौर पर जाएंगे तो कहीं
इनके पास कुछ मिलता नहीं है। कांग्रेस के पास कर्नाटक में एक अच्छी इमेज है, नेतृत्व तो बहुत मजबूत है, पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा है, जितने भी नेता हैं वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से लेकर के उनका बेटा और चाहे भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और चाहे सिद्धारमैया साहब और चाहे डीसी कुमार, इन सभी के पब्लिक कनेक्ट बहुत है। और राजीव जी, मैंने सिद्धारमैया को वोट मांगते हुए देखा है शिमोगा जिले में, और मैं आपसे बता नहीं सकता कि किस तरह का जन समर्थन इस व्यक्ति को हासिल है, किस तरह से लोग उमड़ पड़ते थे इनके सामने। और किसी बड़े नेता को गली गली घूमते हुए मुझे मेरे में, मैं उत्तरी भारत के लोग हम लोग हैं, बहुत कम हम लोगों ने देखा, जबरदस्त पब्लिक कनेक्ट। दूसरी चीज कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन के स्तर पर बहुत बड़ा नुकसान है कि जो लारी इलाके में जनार्दन रेड्डी ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा, उस इलाके में जनार्दन रेड्डी का अच्छा खासा असर है। मतलब हालांकि वो पूरा का पूरा उस लारी के इलाके में भी कांग्रेस का जबरदस्त समर्थन रहा है, और आपको याद होगा कि सोनिया गांधी वहां से चुनाव जीत करके आई थी और सुषमा स्वराज को उन्होंने वहां से हराया था। लेकिन सुषमा स्वराज को ताकत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने, जनार्दन रेड्डी बंधुओं ने बड़ी मदद की थी। आज वह पूरे के पूरे जो राजनीतिक रूप से मजबूत है जनार्दन रेड्डी, एक नया राजनीतिक दल बना करके वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यह बहुत बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बावजूद इसके संगठन के स्तर पर कांग्रेस के मजबूत होने के बावजूद कांग्रेस के सामने यह स्थिति है कि उसको कहीं भी किसी भी तरह की लापरवाही उनके हक में नहीं हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनाव की तरफ लड़ती है, मजबूत संगठन है, संसाधनों की कोई उनके पास कमी नहीं है, और चुनाव जीतने हारने और प्रबंधन के जितने भी तौर तरीके हैं उस पर सभी माहिर है। बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस कहीं से कमजोर नहीं, संगठन के असर से भी कहीं से कमजोर नहीं है, लेकिन एक जो चुनाव जीतने की जागरूकता चाहिए, चुनाव का प्रबंधन चाहिए, वह 24 घंटे की सतर्कता की मांग करती है। और भारतीय जनता पार्टी के पास कर्नाटक में खोने के लिए पूरा आसमान है। ये कर्नाटक से अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो पूरे देश में बहुत बहुत बड़ा संदेश जाएगा, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। इसीलिए अब एक राज्य में 25-30 सभाएं करता है कोई प्रधानमंत्री, लेकिन सम्मानित प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है, वो कर रहे हैं, वो करेंगे भी। ऐसे में अभी तो शुरुआत है सुनील जी, अभी तो कई सारी सभाएं होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा जा रहा भारतीय जनता पार्टी, कहा जा रहा है, हो चुकी है जी, और 25-30 अभी होने वाली है। बिल्कुल, तो ये ऐसे ऐसे स्थिति में कांग्रेस की जो अपनी रणनीति होनी चाहिए, एक सतर्क और मजबूत संगठन के साथ साथ एक जागरूक राजनीतिक दल के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रखने की किया है। अच्छी बात केवल है जो कांग्रेस के पक्ष में जाती है वो कि जो तीसरा राजनीतिक दल है जनता दल यस, उसके साथ कांग्रेस का अच्छा खासा तालमेल है, और कांग्रेस के जितने नेता हैं जो पहली पंक्ति के नेता है कर्नाटक में, उनका पब्लिक कनेक्ट बहुत जबरदस्त है। इससे भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, और मेरा अपना मानना है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस कई किलोमीटर आगे है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई किलोमीटर आगे है, और ये सर्वेक्षणों में जो सर्वे हो रहे हैं उसमें भी ये जानकारी आ रही है। और अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, अलग अलग सीटों की क्या रिपोर्ट है, कौन नेता कहाँ किस पर आगे है, जेडीएस और कांग्रेस की क्या बातें चल रही हैं, क्या अंदर खाने क्या गठबंधन है, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी से लेकर KCR तक, अरविंद केजरीवाल तक, ममता बनर्जी तक, वहाँ आप कर्नाटक में क्या कुछ करने जा रहे हैं, ये सब हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन एक मुख्य मुद्दा जिस पर आप अभी रोशनी डाल रहे थे, प्रकाश डाल रहे थे, वो है भ्रष्टाचार। ये पहला राज्य है और पहला चुनाव है जहां बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इधर बीजेपी कांग्रेस की पोल खोलने के लिए अपने सोशल मीडिया के जो साथी हैं उसको आगे बढ़ा रही है, और भ्रष्टाचार के अलग अलग रूप को लाकर जनता के बीच सोशल मीडिया के जरिए रखने की कोशिश कर रही है। क्या भ्रष्टाचार के नाम पर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी ये जो चुनाव, और यही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हम नहीं आप हैं, आप पहले ये बताइए कि मोदी जी अदानी जी के साथ आपका रिश्ता क्या कहलाता है, और फिर वहां 40% की बात ऑलरेडी कह के आ चुके हैं राहुल गांधी, 40% की सरकार, ये बात खूब चली, पेटीएम पेसीएम आप याद कीजिए, अब तो कुछ और भी पे के साथ में जुड़ गया है, कल से वो कैंपेन भी चालू है कर्नाटक में। जरा बताइए कि क्या भ्रष्टाचार के नाम पर यहां मोदी जी
जो कल सीबीआई के 60वें स्थापना दिवस पर बात कह रहे थे कि इन भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल मत छोड़ना, और वहां चुनाव लड़ते हैं और वहां उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार, उन्हीं की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार की बात होती है, तो उसको कैसे नजरअंदाज कर देंगे जहां मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जो प्रशांत टंडन जी भी बता रहे थे, मूल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे हैं इन मुद्दों पर, और अगर यहां फंस गए तो ये भ्रष्टाचार का जो दलदल है वो तो बढ़ता हुआ नजर आएगा ही। क्या कहेंगे डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी? देखिए, कर्नाटक के जो दो मुख्य मुद्दे हैं, एक तो भ्रष्टाचार तो है ही, पिछले 5 वर्षों में आप देखिए, 5-7 वर्षों में जो भारत की जो मुख्य भूमि है उसके अलावा जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का काम अगर कहीं पर हुआ है अलग अलग मुद्दों को लेकर, जिसकी चर्चा हम लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं, मैं लगभग उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा जो अभी कही जा चुकी है, पहले हम जिसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जो कर्नाटक एक विशिष्ट विशिष्ट दर्जा रखता है, वहां की आप संस्कृति देखिए, वहां के लोगों की मानसिकता देखिए, यानी यहाँ तक कि जब भारतीय संगीत की बात होती है तो सीधे सीधे दो ही खाते हैं, पहला है हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा होता है कर्नाटक संगीत। वहां के निकले कलाकार, वहां के लोग, लेखक एक अलग ही स्थान रखते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। नो डाउट कि दक्षिण भारत के बाकी राज्य भी वैसे ही अपने आप में है, लेकिन कर्नाटक समस्त दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता ही करता है। अब देखिए, हम जिस बात से शुरू कर रहे हैं कि राहुल जो है एक और झटका देने की तैयारी कर रहे हैं, सही बात है कि राहुल ने झटके वहां पर देने जो है अपनी भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण से ही लगभग शुरू कर दिया था। जो राज्य जो है नफरत और भ्रष्टाचार से एकदम बेजार हो चुका था, इसलिए आप देखिए कि कर्नाटक में इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स जो राहुल गांधी को मिला था वो इसलिए मिला था, जबकि आप सोचिए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके पास इतने तरीके थे अवरोध पैदा करने के, लेकिन जनता ने खुल के वहां पर सपोर्ट किया। और इसमें जो सबसे पढ़ा लिखा जो क्षेत्र है वो है बेंगलुरु का है, जहां सीधे सीधे 32 सीटें आती हैं, और मैसूरू का दूसरा है, तो मैसूरू और बेंगलुरु दोनों मिला के इतना व्यापक एक बहुत बड़ा जो है वो कांग्रेस को एक तरह से उसकी मानसिकता बन गई है कि वो जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी और चुनाव में भी देगी, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, राहुल ने देखिए, अभी अगर हम कहें कि राहुल क्या छोटी छोटी बातों पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो है बहुत ही बड़े कैनवास पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा उनके सामने जो तस्वीर जो खींच रहे हैं बहुत बड़ी खींच रहे हैं, बहुत बड़ी लकीर खींच रहे हैं। आप अगर उनसे ये उम्मीद करेंगे कि ये छोटी बातों पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो डिग्री पे क्यों नहीं बात करते, वो छोटी छोटी इन चीजों पे रामनवमी के उपद्रवों के बारे में बात नहीं करते, नहीं, उन्होंने मूल नब्ज पकड़ ली है, इसलिए मूल रूप से वो उन्होंने अदानी का मामला पकड़ लिया है, क्योंकि अदानी का जो भ्रष्टाचार का मामला है उसी का एक लघु स्वरूप जो है वो कर्नाटक में हमको देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार की बात जब वो दिल्ली में बैठकर अदानी के बारे में बोलते हैं तो उसका संदेश अपने आप जो है कर्नाटक में भी पहुंचता है। और एक और बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए अभी तक ये माना जाता था कि कांग्रेस में इस परिवार के, मतलब गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष बनेगा तो उसको अक्सर रिमोट कंट्रोल कहना या ये कहना कि उनके इशारे पे काम करेगा, वो उनका घरेलू नौकर है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो सम्मान दिया है इस परिवार ने, गांधी परिवार ने, और अभी हालांकि अभी उनको बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन हम कांग्रेस महाधिवेशन के समय से लेकर अब तक देखें तो एक तरह से वही लीड करते नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इसका असर कर्नाटक में बहुत जबरदस्त तरीके से जाएगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली चूंकि वहीं के हैं तो वो देख रहे हैं कि भारत का जो प्रथम परिवार है, पहला कुटुंब है, राजनीतिक कुटुंब जो है वो किस तरीके से हमारे माटी पुत्र को किस तरीके से सम्मान दे रहा है। हमेशा आप देखिए कि राहुल गांधी कहते हैं कि जो मुझे अध्यक्ष कहेंगे वो मैं करूंगा, उन्होंने कहीं भी असम्मान दर्शाने की कोशिश नहीं की। अगर अगर इसी जोड़ी को हम हिमाचल प्रदेश में देखें कि जब नड्डा वहां के जो अध्यक्ष है उनको, उन्हीं के राज्य में जब मोदी जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, तो किस तरीके से धकिया दिए जाते हैं, किनारे कर दिए जाते हैं, उसके मुकाबले आप देखिए कि खड़गे जी को जो सम्मान दिया जा रहा है और वो पहले दिन से कमांड अपने हाथ में लिए हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज का मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त जो है वो असर वहां पर हमको कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसी बात जो विपक्षी, हम बहुत सारे विपक्षी दलों की के रवैये को लेकर हम बहुत कई बार चिंतित भी हो रहे हैं, लेकिन हमको मान के चलना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सामने कभी भी कोई स्मूथ रास्ता नहीं होता, अड़चनें आती रहती हैं, और ये जो अड़चनें हैं कांग्रेस के साथ भी रहेंगी, लेकिन ये आयरन आउट हो जाएंगी। जिस समय गर्म लोहा कर्नाटक में इस कपड़े पर चलेगा, तमाम सिलवटें, मुझे लगता है कि वो सिलवटें जो है खत्म हो जाएंगी, और तमाम उन विपक्षी दलों को
जो आज या तो कांग्रेस का साथ सीधे सीधे नहीं दे रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि हमको अपना अस्तित्व बचाने के अलावा हमको भारत की जो मूल इस समय की जो राजनीतिक भावना है उसके साथ उन्हें अपने आप को अटैच करना पड़ेगा, अपने आप को प्रासंगिक बताना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि जब पूरी देश की भावना ये है कि भाई सारे विपक्षी दलों को एक होना चाहिए, तो कौन सा दल है जो अफोर्ड कर सकता है इससे अलग रहने की। इसलिए देखिए बीच बीच में बहुत सारे विपक्षी दल हैं वो भी कोशिश करके बताते रहते हैं कि हम भी भाई विपक्षी एकता के साथ में हैं, लेकिन उनकी अपनी जो मजबूरियां होती हैं, उनका प्रांतवाद है, उनके कई लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती है, उनके अपने दांवपेच हो सकते हैं, उन कारणों से हो सकता है कि इस समय तत्काल में विपक्षी एकता के लिए सीधे सीधे सामने नहीं आ रहे होंगे, हो सकता है कि बहुत सीधे सीधे कांग्रेस के प्रति अपना समर्थन नहीं जाहिर कर रहे होंगे, हो सकता है कि जिस समय उन्हें सूरत की कोर्ट में बुलाया जाता है राहुल गांधी को, तो सीधे सीधे बात नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन उस समय हमें कर्नाटक के चुनावों तक ठहरना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए कि मुझे लगता है कि माहौल बदलेगा और उस माहौल में विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत आवश्यक हो जाएगा कि आप विपक्षी एकता के साथ आप खड़े होइए। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो आप ये जान लीजिए कि आपके अप्रासंगिक करार देने में जनता कोई समय नहीं लगाएगी। और राहुल जो है इस तरीके से एक और झटका जो आपने लिखा है, मुझे लगता है कि उस झटके की जो तैयारी है वो हो सकता है कि सीधे सीधे अगर पुराना कार्यक्रम होता तो शायद वो कल मीटिंग करते रहते कोलार में, और अब नए कार्यक्रम के अनुसार वो 9 तारीख को जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसी दिन मोदी भी वहां रहेंगे। जनता के सामने एक और बात ये जाएगी कि मोदी के सामने सीधे सीधे इस समय कांग्रेस जो है वो टकरा रही है और जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने में जो प्रतिनिधि है वो राहुल गांधी है। मुझे लगता है कि ये जो बदला हुआ कार्यक्रम है ये एक और एडेड अतिरिक्त बल दे रहा है कांग्रेस के इस अभियान को कर्नाटक के अंदर। तो अब जो 9 तारीख को वहां पर होगा, 9 तारीख को निश्चित रूप से अदानी के बारे में भी बात होगी, 40% कमीशन के बारे में भी बात होगी, और इसके बजाय जब मोदी मौन रहेंगे, मोदी कुछ नहीं बोलेंगे, मोदी के पास वही पुराना अपना जो रेटोरिक है उनकी अपनी जो एक आलाप होता है उसी पे बात करेंगे, वो बताएंगे शायद उस दिन की देखिए आज मैं यहाँ पर हूँ और आज ही के दिन शाहजादा जो है या परिवारवादी जो है वो यहाँ पर आपके ही राज्य में है, तो आप उसे एक तरह से उनको रिजेक्ट कीजिए और हमें वोट दीजिए। ये बहुत अच्छा हो रहा है, आमने सामने दोनों हैं और कर्नाटक की जनता, मैं ये नहीं कहता कि बाकी राज्यों की जनता कोई कम है, लेकिन कर्नाटक की जनता निश्चित रूप से इस समय जो है एनालाइज करेगी, बहुत गंभीरता से एनालाइज करेगी, और मुझे लगता है कि ये झटका जो है 9 तारीख से शुरू हो जाएगा। राजीव जी, जी जी दीपक जी, अब समझ में आ रहा है कि आखिर मोदी जी का जो भाषण वो कौन लिख रहा है। खैर, आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है और ये पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी, कुछ कहना चाह रहे हैं दीपक जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं प्रधानमंत्री के भाषण लिखता रहता तो मैं आपके चैनल पे नहीं होता, मैं गोदी मीडिया के किसी चैनल पे बैठ के बात करता रहता। चलिए, ऐसे मजाक की बात कर रहे थे हम, लेकिन हाँ आप सही कह रहे हैं, आप जो बात रख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात रख रहे हैं और वही से शुरुआत होती है जो विक्टिम कार्ड की जो बात हम लोग करते रहे हैं वो जिस भी अभी पिछले दिनों लगातार हम चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विक्टिम कार्ड खेलते हुए हम देख रहे हैं और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी उस विक्टिम कार्ड को हम लोगों ने खूब देखा था, लेकिन वहाँ पर वो कुछ और अंदाज में थे, उन्होंने अपनी दाढ़ी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के की तरह बढ़ा रखी थी और दूसरी तरफ जो जुबान थी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और उसकी चर्चा खूब हुई कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जब दीदी वो दीदी कहते थे। खैर, लेकिन ये कर्नाटक है और कर्नाटक में पिछला चुनाव भी आप लोगों को याद होगा, बहुत सारे नाटक हम लोगों ने देखे थे और चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी, और फाइनली जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाई, 14 महीने वो सरकार चली, 14 महीने के बाद उस सरकार को गिरा दिया गया और ऊपर से येदुरप्पा साहब को बैठाया गया, बाद में येदुरप्पा साहब भ्रष्टाचार के नाम पर हटाए गए और अब वही भ्रष्टाचार जो है अभी भी पीछा कर रहा है और भ्रष्टाचार को से अपना पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पूरा का पूरा जो बीजेपी का कुनबा है वो कांग्रेस के ऊपर वार कर रहा है, लेकिन जनता
देश के चुनाव को नहीं मतलब उस पर वोट नहीं देने जा रही है, बल्कि वहाँ की जनता जो है वहाँ के लिए यानी कर्नाटक के लिए वोट देने जा रही है। अब यहाँ 40% की सरकार जो कहकर के राहुल गांधी 18 दिन रह के आए थे और ज़बरदस्त वहाँ पर राहुल गांधी ने वार किया था, और अभी भी पेसीएम से लेकर के तमाम चीज़ें चल रही हैं, इसमें ऐसे में कितना आगे भ्रष्टाचार पे, क्योंकि तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार की लड़ाई चल रही है अमलेंदु जी, उसमें कहाँ आप देखते हैं कौन कितना फिट कौन कितना आगे निकलता हुआ, क्योंकि दो लोगों को राहुल गांधी दौड़ा करके रोड पे दिखा भी दिए थे कि हमारे ये दोनों नेता 70 साल के ऊपर के हैं लेकिन कितने फिट हैं, देखो सड़क पर मेरे साथ दौड़ सकते हैं। सिद्धारमैया और DK शिव कुमार की बात आप याद कीजिए। में बहुत बड़ा मुद्दा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से ज्यादा परेशान है, और जो एक ईश्वरप्पा उनके मंत्री जिनका इस्तीफा लिया गया था, जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि वो 40% कमीशन मांग रहे थे, और एक स्वयंसेवक जो था ठेकेदार वो चिट्ठी लिख करके उसने आत्महत्या कर ली थी, तो उन ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी तो आज तक नहीं हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो उनको टिकट देने से बचती रही है, अब आप पता नहीं देगी उन्हें टिकट या नहीं देगी, लेकिन वो जो है हिंदुत्व का झंडा बुलंद किए हुए हैं ईश्वरप्पा। अब इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो भारतीय जनता पार्टी की, इससे भारतीय जनता पार्टी निजात कैसे पाए, तो उसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही है जो हम लोग लगातार चर्चा करते रहे कि सांप्रदायिक विभाजन जो है वो उसका एक हथकंडा है। और अभी एक घटना हुई है वहां जो ओल्ड मैसूरू का एक रामनागरा जिला है, वहां एक जो पशु विक्रेता था उसकी हत्या की गई, और हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने की वहां जो काफी ज्यादा कोशिशें की गई हैं। और जो ओल्ड मैसूरू का इलाका है राजीव जी, वो कांग्रेस और JDS का गढ़ समझा जाता है, और जो व्यक्ति उसमें आरोपित है भारतीय जनता पार्टी का नेता जो समझा जाता है, तो वो शायद लिंगायत समुदाय का माना जाता है कि उससे वो आता है। तो इस तरीके की घटनाएं उस इलाके में नहीं होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी उस इलाके को भी अब इसमें झोंकना चाहती है इस आग में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बात कुल मिलाकर रणनीति चल रही है, और देखिए ये एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की चलती रहती है, और ये उन्होंने पिछले कई चुनाव से इसको उन्होंने भुनाया है एक तरीके से। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो कर्नाटक में हिजाब एकदम से शुरू हो गया था मसला, तो जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव चला तब तक कर्नाटक में हिजाब चलता ही रहा। तो अब कर्नाटक में चुनाव है तो बंगाल और बिहार जो है वो जल रहे हैं, तो ये इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है इसको समझने की असल में आवश्यकता है। अब ये जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां ये जो है वो कम हरकतें करते हैं, दूसरे राज्यों में ज्यादा हरकतें करते हैं, और उनकी सूचनाएं जो है उसके जरिए वो उन राज्यों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशें करते हैं। तो नई जो है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो मुझे लगता है इस पे अब वो काम करने लगी है। तो भ्रष्टाचार से बचने का 20,000 करोड़ किसके हैं, इससे बचने का 40% की कमीशन की सरकार जो, इससे बचने का भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही रास्ता बचता है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी उसी पे कुल मिलाकर के कर्नाटक में भी काम कर रही है, और उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। जिस तरीके से येदुरप्पा जी को किनारे किया जा रहा है, येदुरप्पा जी जो है वो नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक नुकसान देने वाली चीज जो है वहां कुल मिलाकर के हो रही है। प्रशांत जी ने आरक्षण को लेकर के बहुत विस्तार से जो है चर्चा करी ली कि वो एक मुद्दा वो भी एक बन रहा है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वहां मुद्दों की कमी है, और हर जगह मुद्दों की कमी होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे सिर्फ एक ही होता है हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई मुद्दा होता नहीं है, तो उसी पर चलते हैं वो, तो कुल मिलाकर के आखिर में आएंगे वो उसी पे लौट करके, आना उनको उसी पे है, वो कर्नाटक में भी उसी पे लौट करके आएंगे, और कोशिश उनकी ये होगी किसी भी तरीके से राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उससे जो है वो किस तरीके से देश की राजनीति में डिरेल किया जाए। अब जो आपने जहां से शुरुआत की थी कि भाई केजरीवाल जो है वो एकदम डिग्री के पीछे क्यों पड़ गए, ममता बनर्जी वहां क्यों शुरू हो गई, या नीतीश कुमार जो है वो क्या कर रहे हैं, तो ये सब भी राजीव जी, अब मैं ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये सब जो है वो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सबके दिमाग में एक खौफ तो है, वो राहुल गांधी का खौफ है, और राहुल गांधी का खौफ जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों जगह जो मुझे लगता है एक तरीके से काम कर रहा है। अब ये कांग्रेस की अपनी रणनीति है किस तरीके से वो जो है अपने जो सहयोगी हो सकते हैं उनके दिल से ये खौफ निकाल पाती है कि नहीं निकाल पाती है, और ये समझा पाती है कि नहीं समझा पाती है कि
बड़ा खौफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, अगर वो 2024 में लौट के आती है तो आप तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय दल है, खासतौर से जो छोटे दल हैं जो इस तरह चीजें करते हैं, उनको समझने की चीज है। बाकी भारत शर्मा जी ने बड़े विस्तार से समझाया केजरीवाल के बारे में, तो ये तो सही है। अब थोड़े दिन पहले ही तो प्रशांत भूषण भी ट्वीट कर रहे थे कि उन्हें नहीं मालूम था कि इसके पीछे आरएसएस है। अब बताइए, रसोई से खाना आ रहा था तब आपको नहीं मालूम था कि इसके पीछे आरएसएस है? तब शांति भूषण जी जो थे वो 1 करोड़ रुपया चंदा देकर के पार्टी बनवा रहे थे, आम आदमी पार्टी। और अब जब आपके साथ किया गया तो आपको समझ में आया कि इसके पीछे आरएसएस है। अब जो योगेंद्र यादव जी एक है, अब वो कांग्रेस के आजकल ज्यादा नजदीक हो गए हैं, वो किस तरह की भाषा लिख रहे थे और आज फिर जो एक लेख लिख रहे हैं तो उसमें किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से राजीव जी चल रही हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत मोर्चों पर लड़ना है, अकेला भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं लड़ना है। जो साथ खड़े दिख रहे हैं उनकी उनकी भी रणनीति पर विचार करना है, उनकी राजनीति जो वो क्या है, तो इस पे भी जो कुल मिला के विचार करना है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो चीजें बाबा साफ करते रहे हैं और बाबा वो कहते रहे हैं कि उनका लक्ष्य ना प्रधानमंत्री बनना है ना सरकार बनाना है, उनका लक्ष्य किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी बचाना है। और मुझे लगता है कि यही लक्ष्य जो है वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी समझता है स्वयं को, उसका यही एक लक्ष्य होना चाहिए कि किसी भी तरीके से देश के अंदर डेमोक्रेसी बची रहे। अगर डेमोक्रेसी बची रहेगी तो तमाम राजनीतिक दल भी बचे रहेंगे, और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो आप चाहे कांग्रेस से लड़ते रहिए, चाहे राहुल गांधी का खौफ लेकर घूमते रहिए, खत्म आप ही हो जाएंगे। तो ये चीजें अगर नहीं समझ में आती है लोगों को, खासतौर से जो समाजवादी विचारधारा के लोग कहे जाते राजीव जी, इनका इतिहास जो है कुल मिलाकर के वो पहले से भी बड़ा ठीक ठाक नहीं रहा है। जर्मनी में भी जो है जब कम्युनिस्ट जो थे वो ठूस ठूस के गैस चैम्बर्स में मारे जा रहे थे तो ये बहुत खुश होते थे, और बाद में फिर ये भी उन्हीं कम्युनिस्टों के साथ जो थे ठूस ठूस के मारे गए गैस चैम्बर्स में। तो ये जो जिस तरीके से समझते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो समझने की आवश्यकता है वो कांग्रेस तो अपना रास्ता कर ही रही है, जो विपक्षी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी का स्वयं को विरोधी समझते हैं, और हो सकता है ईमानदारी से विरोध भी करते हो भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा नहीं है कि वो बेईमानी से ही करते हो, ईमानदारी से विरोध भी करते हो। लेकिन जो पहला लक्ष्य मुझे लगता है कि उसके बारे में विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपका शत्रु पहला कौन है, और देश के सामने जो बड़ा संकट है वो किसको आप समझ रहे हैं इस समय देश के सामने बड़ा संकट जो है। अगर ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि सबकी राजनीति जो एक तरफ हो जाएगी, और ये समझाने की जो है मुझे लगता है ये जनता जब अपने पे आएगी तो वो अच्छी तरीके से सबको समझा देगी, पक्ष को भी विपक्ष को भी आएगी। बिल्कुल, जनता सब देखती है। समय खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक एक आधा आधा मिनट में आप लोग अपनी बात फटाफट रख लें और इसको क्लोजिंग की ओर ले चलें जल्दी से। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या सबसे बड़ा डर जो है वो राहुल गांधी से है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के कई साथी हो? देखिए राजीव जी, जो अमलेंदु जी ने कहा, मुझे लोकतंत्र से ज्यादा अब अपने देश की चिंता है। दो प्रश्नों का जवाब अगर मुझे कोई सत्ताधारी दे दे, मैं कल बीजेपी का समर्थन करना शुरू कर दूंगा। पहला, एक, चीन ने भारत के अंदर स्थित 11 गांवों का नाम बदल दिया है, इसका जवाब दें कि यह कैसे हुआ है, लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई। नंबर दो, मैं 20,000 करोड़ से ज्यादा बड़ी समस्या समझता हूं किरण भाई पटेल वहां जो जेड प्लस सिक्योरिटी लेके घूमा, किसकी अनुशंसा पे घूमा, किसकी रिकमेंडेशन पे घूमा, जिसने रिकमेंडेशन दी उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। नंबर दो, अगर अनुशंसा नहीं की गई और रिकमेंडेशन नहीं दी गई तो क्या देश की आंतरिक सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई है कि एक फ्रॉड आदमी एक विजिटिंग कार्ड से जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर देश के सेंसिटिव एरिया में घूम सकता है? इस पर व्हाइट पेपर इशू होना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए, ये कैसे जेड प्लस सिक्योरिटी मिली, किसने दिलवाई, और कैसे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई कि चीन हमारे देश के गांवों को नामकरण कर रहा है और फ्रॉड लोग जो हैं वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से जाके खुफिया जानकारी ले रहे हैं। आज मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने देश की है। लोकतंत्र तो तब रहेगा जब ये देश रहेगा, अब ये देश खतरे में है। जी जी, भारत शर्मा जी, सवाल वही, क्या खतरा जो है वो राहुल गांधी से ज्यादा है? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं असल में आपके सवाल का जवाब देने से ज्यादा बेहतर आपको दो सूचना देना चाहता हूँ। जो अभी जो आंदोलनों की जो मैं बात कर रहा था,
देखिए दो डेवलपमेंट है नए, एक तो कल एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली के अंदर होने वाली है, उसमें किसान खेत मजदूर और मजदूर ये तीनों इकट्ठे होने वाले हैं और वो इतनी बड़ी रैली हो रही है और ये वामपंथी दलों की है, जबकि इन्होंने दिल्ली के सराउंडिंग्स में कैंप बनाए हैं उनके लोगों को रोकने के लिए, एक सूचना ये है। दूसरी सूचना जो है वो ये है कि आज दिल्ली में 102 जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वो इकट्ठे हुए हैं। जैसे किसान आंदोलन के समय पूरा हमने जो डेवलपमेंट देखा था, जब संयुक्त किसान मोर्चा जो ये बना उस समय जो अलग अलग विचारधारा से और अलग अलग जगह से जुड़े हुए किसान संगठन एक साथ हुए, उसी तरीके से आज यूथ ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे हुए और 102 संगठनों ने मिलकर एक 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 साझा रणनीति बनाई है देश में बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करने की। तो मतलब केवल राहुल गांधी नहीं, समस्याएं नरेंद्र मोदी जी के सामने बहुत सारी धीरे धीरे आने वाली हैं। तो ये अब युवा भी हो सकता है आने, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है, आने वाले समय में हमको किसान आंदोलन की तरह कुछ बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। जी जी धनंजय जी, सवाल वही आपके पास भी। देखिए राहुल गांधी समस्या इनके लिए आज से नहीं है, बहुत 2014 से थी, जब उन्होंने फाड़ा था वो अध्यादेश तब भी याद कीजिए 2013 कि 2 साल या उससे अधिक सजा होगी उसको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और कांग्रेस ने जब अध्यादेश लाया था तो राहुल गांधी ने कहा था कि ये नहीं चलेगा, फाड़ दिया अध्यादेश, जिसके लिए उनकी आज भी उनकी जो है आलोचना की जाती है। लेकिन मैं मानता हूँ राहुल गांधी ने उस दिन भी ईमानदारी का सबूत दिया कि वो नहीं चाहते थे कि अब जो 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 कन्विक्ट हो जाएं वो चुनाव लड़ें या राजनीतिक प्रक्रिया में रहें, क्योंकि साफ सफाई चाहते थे उस वक्त। राहुल गांधी को आप देखिए पूरे 13 से लेकर के आज तक आ जाइए, राहुल गांधी ने हमेशा ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन अपना जारी रखा, अपने सवाल जारी रखे, जनता की तरफ से लगातार सवाल किए हैं और जो गलत कर रहे हैं उनको कटघरे में खड़ा किया, चाहे वो अपनी पार्टी के रहे चाहे दूसरी पार्टी। CBI, ED, पूरी BJP सरकार, पूरा मीडिया, पूरा परसेप्शन राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हुआ, उसमें कांग्रेसी भी खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन राहुल गांधी तमाम विरोधों के बावजूद निकल करके आ गए और आज खड़े हैं कि उन पे आप भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते, आप उन पे किसी तरीके के आरोप नहीं लगा सकते। जो जो अदालत ने भी जो आरोप लगा करके उनको कन्विक्ट किया है उसमें अदालत की ही आलोचना हो रही है कि ये जो है किस तरह से उसने निर्णय दिया, और इस पे आगे आने वाले समय में बहस होगी और राहुल गांधी क्या बोलेंगे कोलार में अभी चुनावी भाषण में, ये भी लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की छवि जो बन करके आई है, अभी जैसे स्वामी जी ने कहा कि 11 जगहों पे अभी चीन ने नाम बदल दिए अरुणाचल प्रदेश के, स्वामी जी मैं देख रहा था इसके पहले 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे और 2021 में 15 जगहों के नाम बदले थे, लेकिन जो है देश की सुरक्षा के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, ये बिहार में जाके तो भारत माता की जय वंदे मातरम लगाते हैं गृहमंत्री दंगे के समय, अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं रैली कर रहे हैं, वहाँ भारत माता की जय वहाँ बोलने की जरूरत है, और ये जो रामनवमी में जो तलवार लेके निकलते हैं योद्धा की तरह, उनको वहाँ पहुँचने की जरूरत है कि जरा चीन डरे, लाल लाल आँखें दिखाएं वो। खैर तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो इस बार कर्नाटक का चुनाव एक बार एक तय मानिए कि कर्नाटक का चुनाव ये दिखाएगा और देश की हवा यहाँ से बदलनी शुरू होगी, और मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव बहुत ही जो है एक परिवर्तनकारी चुनाव होगा, और जो 75 सालों में हमने देखा है उससे मुझे कुछ अलग दिखाई पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी सुनील शुक्ला जी। जी सुनील जी, निश्चित रूप से राहुल गांधी ने एक बड़ी चुनौती पेश की है सरकार के सामने, विपक्ष को विश्वसनीयता दी है, जन समर्थन का जनाधार बढ़ाया है, और जो इस सरकार की विफलताएं हैं उनको लेकर के लोगों के सामने मजबूती के साथ रखा है। अकेले एक नेता के विपक्षी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है जो सरकार पर मुद्दों को लेकर के हमलावर है, और जिन मुद्दों को उठाया है वह मुद्दे इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनते चले जा रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का इशू हो, चाहे सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए उन मुद्दों को, और उसका असर राष्ट्रव्यापी, अकेला एक नेता जिसकी अपील राष्ट्रव्यापी हर राज्य में है, छोटी हो सकती है बड़ी हो सकती है लेकिन हर राज्य में है, और निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जिस परिपक्वता के साथ अपने आप को इस सरकार के सामने चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया है और जनता जिस तरह से उनके साथ खड़ी हुई है, इसका प्रमाण है उनके
भारत यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके जो लोग जो समर्थन दिया, यह इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती इस बात के लिए इसलिए भी हो गई कि सरकार सत्ता में आने के दिन से ही राहुल गांधी को खारिज करने में लगी हुई थी जी। और उसका यह पूरा का पूरा अभियान विफल हो गया। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने पूरे देश में चुनौती खड़ा की सरकार के सामने, और मुझे लगता है कि उस चक्रव्यूह से निकलना सरकार के लिए इतना आसान नहीं है, उसको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जी 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 बिल्कुल, बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या कहेंगे प्रशांत टंडन जी? जी, पहले तो धनंजय जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि उस वक्त जो राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, आमतौर पर लोग आलोचना करते हैं कि उसी ऑर्डिनेंस का वो शिकार हो गए। उस वक्त राहुल गांधी ने ठीक किया था, लेकिन उसमें सजाए जाफ्ता लोग संसद में ना हो उसका मतलब ये नहीं है कि मनगढ़ंत केसेस में अदालतों को ले जाकर और संसद से बाहर करने का काम किया जाए। दोनों बातों में फर्क है कि छोटे छोटे मामलों में आप देखिए ना कि जिसने जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा था उसका केस उसकी संस्था बाहर हो गई क्योंकि उसका कन्विक्शन स्टे हो गया, लेकिन राहुल गांधी का मतलब हम लोग तो इंटरव्यू भी दिखा चुके पूरा कि किस तरीके से एक छोटे से केस में सिर्फ इसलिए कि 2 साल का सजा देने में उनकी मेंबरशिप जाएगी और ये हो गया। अब तो क्या है, कोर्ट में आगे अपील है, देखते हैं उसमें क्या होगा। दूसरा एक और राजीव जी बात हो रही है, परसों नरसों हमने हम लोगों ने चर्चा की थी कि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। वो मीटिंग कल हुई और उसमें 20 विपक्षी पार्टियां आई, बीजेडी नहीं आई, और वो मीटिंग सोशल जस्टिस के दायरे में हुई है। तो और उसमें एक बड़ा मुद्दा निकल कर आएगा, वो होगा जातिगत जनगणना का, और सबसे बड़ा समर्थन बीजेपी को जिस समुदाय का मिलता है वो जातिगत जनगणना से प्रभावित होगा। बीजेपी या नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना का समर्थन अगर करेंगे तो उनको बहुत जो उनके जो सबसे वोकल सपोर्टर है या गोदी मीडिया है या हिंदू अपर कास्ट है उससे उनको हाथ धोना होगा, और फिर ये मीडिया उसी तरीके से मोदी साहब से निपटेगा जैसे कि वो मनमोहन सिंह से या उसके पहले के प्रधानमंत्रियों से निपटता था। तो ये बड़ी दुविधा की स्थिति आगे आने वाले दिनों में बनेगी। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारे दर्शक ने याद दिलाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला है और वो इसी महीने कुछ कहीं ना कहीं ठहरेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको 3 हिस्सों में बांटा हुआ है और उस पर कोई बड़ा फैसला इस महीने सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है जिसका असर 2024 के चुनाव में होगा, जैसे इलेक्शन कमीशन की नकेल थोड़ी सी बांध दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो राहुल गांधी ने चीज़ें चलाई हैं वो धीमे धीमे आप देखिए कि वो एक एक करके चीज़ें हो रही हैं, और 2024 तक चुनाव जो है वो लेवल प्ले फील्ड पे होगा। और लेवल प्ले फील्ड पे होगा तो फिर विपक्षी दल भी मजबूत हैं। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं उस मीटिंग की शुरुआत यानी जो स्टालिन ने मीटिंग बुलाई थी, 20 विपक्षी दल उसमें इकट्ठा हुए थे, उसमें डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं उन्होंने भाषण की शुरुआत की और सबसे पहले उन्होंने 2 बातें कही, एक बीजेडी के बारे में यानी नवीन पटनायक के बारे में और दूसरा YRCP यानी सीधे जगनमोहन रेड्डी के बारे में कि इन लोगों को भी आना चाहिए, ये जो अलग थलग और दूसरे खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये उन्हें आने वाले समय में तकलीफ हो सकती है, ये बात भी डेरेक ओब्रायन ने कही। और बहुत महत्वपूर्ण बात और जिसके बारे में आप कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी वो भी इम्पोर्टेंट है, और
इन सब का असर 2024 के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। क्लोजिंग एक मिनट में, आधा मिनट में मैं चाहूँगा हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे, क्योंकि ऑलरेडी हम समय तो बहुत ले ही चुके हैं। दीपक जी, क्लोजिंग आपसे। सामान्यतः क्या होता है कि जो व्यापक परिप्रेक्ष्य के जो मुद्दे होते हैं उसको हम राष्ट्रीय चुनाव में देखते हैं, मान जाने लोकसभा के मामले में, लोकसभा चुनाव के मामले, लेकिन कई बार कुछ राज्य के विधानसभा चुनाव इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो वो पूरे राष्ट्रीय क्षितिज को ही छूने लग जाते हैं। जैसे आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था उसमें था कि जो नफरत है और ये जो दमनकारी जो नीतियां है सरकार की, या फिर गुजरात का चुनाव था कि पूरे के पूरे गुजरात मॉडल की बात हुई थी, ऐसे ही कर्नाटक का चुनाव जो है वो ऐसा महत्वपूर्ण हो गया है कि इसमें जो भी हार जीत के नतीजे निकलेंगे वो तो सीधे सीधे हमारे देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले होंगे। कारण ये है कि ऐसे लोग जो राजनीतिक रूप से इन चीजों को न देखे, एक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं, प्रेक्ष में देखते हैं, वो बहुत उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे हैं क्या लोकतंत्र को बचाने की जो प्रक्रिया है और 2024 उसका जो पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ेगा और भाजपा कांग्रेस की सीधे सीधे टक्कर होगी और लोकतंत्र को बचाने के मामले में जो अंतिम भिड़ंत जो होगी 2024 में चुनाव में, क्या उसका रास्ता कर्नाटक के चुनाव से निकलता है या नहीं निकलता, इसलिए ये जो चुनाव है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और राहुल का ताकतवर इस चुनाव में भाग लेना और मल्लिकार्जुन खड़गे इस चुनाव और करने जो चुनाव उस पर सारे ऐसे लोग जो देख रहे हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से समीक्षा नहीं कर रहे, देखिए स्वतंत्र विचार रखते हैं, निर्विचार रखते हैं, स्वतंत्रता बिल्कुल बंधुत्व की भावना रखते हैं, उसके लिए भी कर्नाटक का जो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। राजीव जी, जी बिल्कुल, कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, दोनों पार्टियों के लिए, और दोनों जो एक भ्रष्टाचार के नाम पे और दूसरा कर्नाटक से बाहर भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कर्नाटक के अंदर बीजेपी को भ्रष्टाचार के नाम पर तो घेर ही रही है और उसके बाहर भी खासकर नरेंद्र मोदी जी को घेर रही है, और वो भी अदानी और मोदी जी में रिश्ता क्या है जो ऑलरेडी, और यहीं से शुरुआत हुई राहुल गांधी के ऊपर लगातार वार के। बहुत कुछ होता रहेगा, राहुल गांधी झटके पे झटका दे रहे हैं और आने वाले समय में क्या झटका देंगे इस पर हम पिछले डेढ़ घंटे से चर्चा करते रहे। कल 5 तारीख है और कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले पे, उस पर भी नज़रें रहेंगी। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी।